क्वीन बोलती है कि अरे ब्रदर, मैंने सोचा नहीं था कि मैं आपको इस प्लेस में देखूंगी। हमें फेट ने यहाँ पर दोबारा ले आया है। और वो ये भी बोलती है कि आज आप बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, आपका हेयर स्टाइल भी अमेजिंग दिख रहा है और आपकी बॉडी भी अच्छी दिख रही है और आपके जो क्लोथ्स हैं वो भी पिन पॉइंट पे है, एकदम सब कुछ मज़ेदार सा अच्छा सा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये क्या आप कैरी कर रहे हैं, मतलब वो जो बच्चा कैरी करके आया है वो देख रही है। फिर उसके बाद पूछती है वो कि ब्रदर आप किसका बेबी कैरी करके आए हैं। तभी वहाँ पर जो पीछे लड़की खड़ी है वो पूछती है कि क्या बॉस आप चाहते हैं। तभी सीईओ बोलता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पुरानी दोस्त है मेरी करके। तभी लड़की बोलती है ठीक है, और क्वीन इस लड़की को देखती है। तभी उसे याद आता है कि ये मोजिंग है करके, लेकिन मोजिंग को कुछ याद नहीं है इस लड़की के बारे में। और यह लड़की क्वीन बोलती है कि हम फाइनली मिल चुके हैं और हमें आज किसी भी तरह पर बैटल करना ही पड़ेगा। तभी जिंग बोलती है कि आप कौन हो करके, क्योंकि उसे ये याद नहीं है क्वीन के बारे में कुछ भी। तभी सीईओ सोचता है कि मैं क्या ही बोलूं। फिर भी सीईओ बोलता है कि ये एडल्ट वर्जन है क्वीन का। और तभी सीईओ पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो क्वीन बोलती है कि ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन का आंसर देती है कि मैं यहाँ पर आई हूँ इंटरनेशनल एक्ट्रेस को रेस्क्यू कराने के लिए आई हूँ, और मैं जो हूँ पूरे वर्ल्ड में पीस लाऊंगी सेफ गार्ड की तरह। और अपनी ही तारीफ करती हूँ, बोलती है कि मैं बहुत ही क्यूट हूँ, चार्मिंग हूँ और मैं यूनिवर्स की गार्डियन हूँ करके अपनी बड़ाई अपने मुँह से कर रही होती है और बोलती है कि ये कितना अच्छा है, ऑसम। तभी सीईओ बोलता है कि जरा ह्यूमन लैंग्वेज बोलो। तो अभी वो लड़की बताती है कि मैं अपनी बेस्टी को देखने आई हूँ, शायद तुम मेरी बेस्टी को नहीं जानते होगे करके। और फिर उसके बाद वो बताती है कि जब वो अब्रॉड में पढ़ रही थी तो वो उसके साथ स्कूल में साथ में पढ़ती थी, और अब वो जो है फेमस इंटरनेशनल स्टार है। और ये कोई और लड़की नहीं होती है, ये लिंग वाई होती है जो बहुत ही ऊंचे दर्जे की सेलिब्रिटी है। और तभी वो बताती है कि आंट रैन जो थी वो अपने घर से भाग गई थी, उसके बाद से वो यहाँ पर हमारे बेला है यहाँ की मतलब। और फिर उसके बाद ये हमारे सीईओ सोचते हैं कि ये किसके बारे में बात कर रही है, और उसके दिमाग में थोड़ा सा उस लड़की का इम्प्रेशन होता है। और तभी रूरू भी क्वीन को देख रहा होता है। तभी क्वीन पूछती है कि तुम बच्चा क्यों कैरी कर रहे हो और किसका बच्चा है ये जो इतना खूबसूरत है। तो सीईओ बोलता है कि ये मेरा बच्चा है, लेकिन बच्चा पहले ही बोल देता है कि मैं यी का बेबी हूँ। तो क्वीन सोचती है कि कौन यी। तो रूरू जो है वो बोलता है कि यी का फ़ोन नंबर ये है करके, और वो ये भी बोलता है कि यदि तुम रूरू को फाइंड करोगे और इस नंबर को डायल करके रूरू को सेफली घर पहुंचाओगे, रूरू जो है वर्ल्ड का सबसे क्यूटेस्ट बेबी है करके, और यदि कोई रूरू को देखता है तो उसको गुड लक आता है और वो ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं कर सकता है। और अपना बोलता है कि ये जो टेलीफोन नंबर है इस नंबर पे रूरू को घर पे भेजे। और उसके बाद रूरू सोचता है कि उसने कितना अच्छा मतलब अपना डिस्क्रिप्शन दिया है करके। तभी एक आदमी आता है और बोलता है कि आपको स्टाफ को अंदर फॉलो करना है करके, आपके पास सिर्फ 3 ही घंटे बचे हैं तो जल्दी कीजिए। और बोलता है कि जो गेस्ट हैं उनको आउटसाइड में वेट करने दीजिए। तो जिंग को बोलता है सीईओ कि तुम मेरे साथ आओ, और अपने बॉडीगार्ड्स को बोलता है कि तुम आउटसाइड ही रहो। रूरू काफ़ी हैप्पी हो रहा होता है कि वो अंदर जा रहे हैं। तभी वो बेस के अंदर जाते हैं, और जाते जाते क्वीन और जिंग दोनों बात कर रहे होते हैं। और तभी क्वीन बोलती है कि तुम मुझे ऐसे धक्का देना बंद करो और तुम मुझे अभी भी डिफीट नहीं कर सकती हो करके, तुम जैसे 10 लोग भी मुझे अभी भी डिफीट नहीं कर सकते हैं। तभी
क्वीन बोलती है कि मैंने तुम्हें इसलिए पहले नहीं डिफीट किया था क्योंकि मेरा ब्रदर था और उसके कारण मैंने तुम्हें डिफीट नहीं किया। तो क्वीन बोलती है ओके ओके मैं समझ गई। तभी वो पूछती है क्वीन कि तुमको अपने ड्यूटी से कब ऑफ होगी करके, तो हम लोग अपना बैटल करेंगे। तो क्वीन बोलती है ठीक है। तभी क्वीन बोलती है कि वो कुछ भूल गई है। और तभी वो पूछती है कि ब्रदर आप किसको विजिट करने जा रहे हैं। तो तभी वहाँ पर उसको यी दिखाई देता है और क्वीन बोलती है कि ये लड़का कौन है, ये पक्का कोई इम्पोर्टेंट फिगर होगा और जिस तरीके से वो देख रहा है मुझे जानने की ज़रूरत है कि वो कौन है। तभी रू रू हाथ पकड़े हुए सी का होता है और बोलता है कि वो यी है। तो बोलता है कि हम यी के लिए यहाँ पर आए हैं। क्वीन बोलती है कि कौन यी, क्योंकि अभी तक तो क्वीन यी से मिली नहीं है। और तभी दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यी अपने रूम पार्टनर के साथ जा रहा होता है और रूम पार्टनर बोलता है कि चलो हम लाउंज में जाते हैं, मैंने ब्यूटी सर्विसेज को ऑर्डर किया है करके, और हम अपना स्किन केयर करवाएंगे वहाँ पर जाके। और पीछे पीछे ये जो फेमस स्टार है वो भी चल रही होती सेलिब्रिटी। तो उसका पार्टनर बोलता है यी का कि तुम भी हमारे साथ आ सकती हो, नहीं तो बाद में तुम कहोगे कि मैं तुमको लेके नहीं गया। मेरा और यी का स्किन जो है वो बहुत ही नेचुरल है और हम लोग वैसे भी बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन तुम्हारा जो स्किन है वो इतना अच्छा नहीं है करके। और उसके बाद क्या होता है कि यी का पार्टनर बोलता है कि तुम अपना यूथ जो है इस तरह मत दिखाओ क्योंकि एक दिन तो तुम भी एज होगे। और तभी लड़की बोलती है कि चलो जल्दी जल्दी चलो टाइम ख़त्म हो रहा है करके। और यी बोल अपने मन में सोचता है कि उसको शायद कोई भी देखने नहीं आएगा और वो रूरू को भी बहुत मिस कर रहा है। तभी वो लोग अंदर पहुंच जाते हैं और अंदर जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर रूरू जो है अपनी डकी निकालता है जिसके तीन सर होते हैं और ये फिक्स सप्लाई डकी होती है जो कि मतलब स्पेशल वर्जन होता है। और वो बताता है कि ये जो डेविल वर्जन है डकी का और ये बहुत ही सुपर कूल है करके। तभी क्वीन पूछती है कि ये वाकई में बहुत अच्छी है, तुम्हें किसने दिलाई है? तो रूरू बताता है कि सीईओ ने दिलाई है। तो क्वीन बोलती है कि हाँ आखिरकार जो सप्लाईज होते हैं फिक्स सप्लाई वो सीईओ जैसे लोगों को ही मिल सकते हैं करके। और सीईओ दूसरी तरफ देखता है कि ये किसी लड़के के साथ आ रहा है करके, और जैसे ही देखता है तो देखता है कि यी बहुत खुश है अपने पार्टनर के साथ और उसको बहुत ही ज़्यादा एनॉय होता है कि आखिरकार वो किसके साथ है जो उसके गले में हाथ डाल के इधर आ रहा है। इतनी देर में रूरू निकल पड़ता है और वो चिल्लाने लगता है कि यी, तो यी भी देखता है कि रूरू आ रहा है। वो नीचे झुकता है और उसको गोद में उठाता है, रूरू यी को किस करता है और बोलता है कि यी पूछता है कि रूरू तुम यहाँ क्यों आए हो? तो रूरू बताता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया और इतना मिस किया कि पूछो मत। तो यी बताता है कि मैंने भी तुम्हें मिस किया और फिर यी रूरू को अपनी गोदी में ले लेता है और देखता है कि सीईओ एक लड़की के साथ में बैठा हुआ है और एकदम से इमेजिनेशन करने लगता है कि दोनों बहुत क्लोज बैठे हुए हैं करके और सोचता है कि वो उनकी ये कैसे हो सकता है। और दूसरी तरफ सीईओ सोचता है कि ये दोनों जो है यी और उसका रूम पार्टनर ये दोनों भी बहुत क्लोज हैं करके। और तभी सीईओ सोच रहा होता है कि वो आदमी कौन है करके। तभी क्वीन सोचती है कि ये कौन लड़का है और उसे लगता है कि उसे कोई देख रहा है और फिर वो ये भी सोचती है कि वो ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी और वो जो उसे देख रहा है करके वो उसे फाइंड आउट करेगी। और तभी वो बोलते हैं, क्या वो जो सेलिब्रिटी है वो बोलती है कि मैं यहाँ पर हूँ करके। तभी क्वीन देखती है कि लिंग वाई ने उसे पुकारा है और वो बोलती है ओ माय डियर सिस्टर कितना समय हो गया है हमें मिले हुए। और तभी लिंग वाई बोलती है कि हाँ हमें वाकई में बहुत समय हो गया है मिले हुए। क्वीन जाती है और वांग लिंग वाई के गले मिलती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, और ऐसा करके उसकी गोदी में ही चढ़ जाती है और उसे बहुत टाइटली पकड़ा हुआ होता है और उसे वो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती है। तभी जो
यी का पार्टनर है वो उसको पूछता है कि ये किसका बेबी है जो इतना क्यूट है, और इसकी जो स्किन है वो भी बहुत अच्छी लग रही है, और इसकी जो स्किन है वो एकदम वाइट और डेलिकेट है, और मेरा मन इसे पिंच करने का कर रहा है। तभी यी बताता है कि रूरू जो है मिक्स रेस का है, इसीलिए उसकी स्किन जो है थोड़ा ज़्यादा ही वाइट है, और इस बात पे रूरू को बहुत प्राउड फील हो रहा होता है। तो यी का पार्टनर जो है वो बोलता है कि ये सच में बहुत क्यूट है, मैं इसे एक बिल्कुल जेंटल ही तरीके से एक बार छोटा सा पिंच करना चाहता हूँ, जस्ट वन पिंच करके। तो रूरू और यी उसको देखने लगते हैं। तभी सीईओ आता है और बोलता है कि मैं रूरू को तुम्हें दिखाने के लिए यहाँ लेके आया हूँ, मैंने सुना था कि आज तुम्हारा डे ऑफ है करके। तो ये बोलता है कि मैंने तुम्हें एडवांस में नहीं बताया था, पर तुम रूरू को यहाँ पर लेके आए, मैंने ये सोचा नहीं था, क्या ये तुम्हारे लिए कन्वीनियंट था तो या तुम्हें इनकन्वीनियंट फील हुआ? तो सीओ बोलता है नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और रूरू भी तुम्हें बहुत मिस करता है। तो रूरू भी अपना सिर हिलाता है और बोलता है हाँ मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ करके। तभी सीओ पूछता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग अभी कैसे चल रही है? तो ये बताता है कि वो अच्छी चल रही है, और यहाँ पर उसकी लाइफ बहुत रेगुलर भी है, और वो जल्दी बिस्तर पे भी जाता है, अब वो जल्दी उठता भी है। तभी यही बताता है कि शुरू शुरू में ट्रेनिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे यूज़ टू हो गया हूँ मैं इसके, और कल परसों में अभी न्यू ट्रेनिंग भी चालू होगी जो मुझे नहीं पता है कि क्या होगी करके। तो सीईओ बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा दुबले दिखाई दे रहे हो, क्या तुम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो? तो रूरू सोचता है कि कहाँ से ये दुबला पतला दिखाई दे रहा है, और तभी ये सोच रहा होता है कि दुबला तो दिखेगा ही क्योंकि उसको ट्रेनिंग से बहुत डिजी सा फील होता है, और वो जो भी खाता है वो सब उसको उल्टी में निकाल देता है, जिसकी वजह से उससे आजकल खाना खाने का भी मन ज़्यादा नहीं करता है। और तभी वो ये बोलता है कि नहीं नहीं ये तुम्हारा कोई इल्यूजन होगा, ऐसा कुछ नहीं है, और अपने मन में सोचता है कि यदि मैं सीईओ को बताऊंगा तो वो लोग सोचेंगे कि मैं कितना वीक हूँ करके। फिर ये पूछता है सीईओ को कि तुम कैसे हो? और ये भी बताता है, पूछता है कि रूरू जो है वो ठीक से सोता है या नहीं, और ठीक से रहता है कि नहीं, किताबें पढ़ता है कि नहीं करके। तभी ना जो हमारा यी के साथ का पार्टनर है वो इन दोनों को देखने लगता है, ये दोनों तो सिर्फ अपनी ही बातें कर रहे हैं। फिर यी जो है वो पूछता है कि क्या तुम ओवर टाइम कर रहे हो, रात में ज़्यादा देर तक जागते हो, क्या तुम टाइम पे खाना खाते हो करके पूछता है। तो जो यी का पार्टनर होता है वो बोलता है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है करके, और ऐसा लगता है कि ये लव वाला सीन चल रहा है। तभी क्वीन जो है वो हमारी फेमस सेलिब्रिटी के साथ बैठी होती है, लिंगवाई के साथ, और बोलती है कि चलो मैं तुम्हें इन सब से मिलवाती हूँ करके। तो वो आती है और बताती है सीईओ को कि ये मेरा ब्रदर है करके, जिसका नाम जिन याओ है करके, और जिन याओ यानी सीईओ को बोलती है कि ये मेरी बेस्टी है, और हम जो लोग जो हैं वो फैमिली हैं आज से। तो जो यी होता है वो सोचता है कि ये कौन है करके। सभी सीईओ बोलता है कि मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराता हूँ, और फिर वो इंट्रोड्यूस कराता है कि ये जो है वो क्वीन है, और ये मेरी फ्रेंड है मेरे बचपन के टाइम से। तो जो यी है वो उसको बोलता है हेलो मिस क्वीन, आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं तब क्वीन बोलती है कि मैं मुझे भी आपसे मिलके खुशी हुई, और मैं तो बहुत पहले से ही आपसे मिलना चाहती थी करके।
तो फिर उसके बाद उसके दिमाग में उसका नाम याद नहीं आता है, तो वो बोलती है यू आर करके, और तभी सीईओ बताता है कि ये यी है करके। तो रूरू भी बोलता है कि ये यी है। क्वीन बोलती है कि अच्छा तो आप यी है, आई एम सॉरी मैं पहचान नहीं पाई करके। तभी ही अपने मन में सोच रहा होता है कि ये लड़की मुझे थोड़ा अजीब सा फील करा रही है करके। और तभी ही का पार्टनर थोड़ी सी आवाज़ निकालता है, और तभी को याद आता है कि एक आदमी भी उसके साथ खड़ा है, और वो उसको इंट्रोड्यूस कराता है कि ये रैन है और ये हमारे फिल्म का मेन लीड है। और तभी जो ये रैन होता है वो सोचता है कि फाइनली तुमने मुझे नोटिस किया करके। तब ये बताता है कि ये बेस्ट एक्टर है और इन्होंने 2 इंटरनेशनल फिल्म्स की है, और ये जो है वो फीमेल लीड का से शादी करेंगे करके, मतलब उनकी सीरीज़ के अंदर। और वो ये भी बताता है कि ये बहुत ही हैंडसम है, आउटस्टैंडिंग भी है और वर्ल्ड क्लास का एक्टर भी है, और इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेट पोटेंशियल भी है। तो जो ये इसका पार्टनर है वो बोलता है कि हाय गाइस मेरा नाम रैन है करके, और ये बताता है कि ये अब मेरा रूममेट है। तो सबके सब उसको देखने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो लड़का है ये रैन, वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन उससे कोई हाथ नहीं मिलाता। तो वो सोचता है कि अब मैं अपना हाथ वापस कैसे लूँ, ये स्थिति तो बहुत एम्बेरसमेंट वाली है। तो फिर भी वो किसी तरह ना उसका हाथ पकड़ ही लेता है, बोलता है कि आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। वो लड़की क्वीन का हाथ पकड़ता है, और क्वीन अपने मन में सोच रही होती है कि ये आदमी जो है बहुत अच्छे से वेल बिल्ट है, इसके पास बहुत सारे मसल्स भी हैं, और इसका जो बॉडी है बिल्कुल वैसे ही बॉडी है जैसा कि मैं पजेस करना चाहती थी। मतलब उसको भी ऐसा बॉडी चाहिए था क्वीन को, और वो सोचती है कि इसके जैसे मेरे मैं भी स्ट्रांग होती तो कितना अच्छा होता। और तभी जो रैन है वो सोच रहा होता है कि ये जो लेडी है ये बड़े गुड शेप में है, और ये टॉल भी है, लंबी भी है, दुबली भी है, और ये इसमें बहुत पावरफुल स्ट्रेंथ भी है, और इसकी जो इसके पास लाइट मसल्स भी हैं करके। और फिर वो सोचता है कि इसने अपना मतलब बॉडी को अच्छे से मेंटेन करके रखा होगा, तभी इसको फैट वैट कुछ नहीं है। और वो लड़का सोचता है कि मुझे ऐसी बॉडी चाहिए करके। तो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे की बॉडी में चाहते हैं करके। और तभी रैन सोचता है कि काश कि मैं इसकी तरह स्लिम होता करके। तभी देखते हैं कि ये रूरू और सीईओ और जो हमारी सेलिब्रिटी है फेमस वाली लिंग, वो इन दोनों को देख रही होती है। तब ये लड़की बोलती है, सेलिब्रिटी बोलती है कि आप लोग यहाँ पर बहुत जल्दी आए हैं, तो आप लोग शायद हंगरी भी होंगे, तो हम लोग सब एक साथ चल के कैंटीन में फूड खाते हैं। अब जैसे ही खाने का नाम लिया जाता है, रूरू तो एकदम एक्टिव हो जाता है, और रूरू को बड़ा मज़ा आता है, और वो यी को बोलता है कि यी मुझे गोदी में लो। तभी ये जो लिंग है वो देख रही होती है यी को, और सोचती है कि ये किसका बच्चा है करके, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। और तभी क्या होता है, एक बंदा आता है और बोलता है कि हम लोग एक नई ट्रेनिंग जो है शुरू करने वाले हैं, और ये जो ट्रेनिंग है वो अंडर वाटर की ट्रेनिंग है, तो सब जाओ चेंज करके आओ और यहाँ पर इकट्ठा हो जाओ। तो हमारा जो यी का साथ में रहने वाला पार्टनर है वो अपने कपड़े उतारने लगता है, क्योंकि अभी स्विमिंग जाना है, अंडर वाटर ट्रेनिंग है। तो यी भी अपने कपड़े उतारता है, और वो थोड़ा नर्वस भी होता है। तो ये जो रैन है वो देखता है और बोलता है कि इस ज़माने में भी तुम ये ताबीज़ पहनते हो करके, ये तो बहुत आउटडेटेड चीज़ होती है, और ये बहुत ओल्ड फैशन भी है, ऐसा कह के वो उसके ताबीज़ को छूने ही वाला होता है। लेकिन ये को याद है कि सीईओ के अलावा और उसके अलावा ये ताबीज़ कोई नहीं छू सकता है, तो वो पीछे की तरफ हट जाता है
और बोलता है कि तुम रुको, ये जो ताबीज़ है ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद वो बोलता है, हमारे जो रैन है वो बोलता है कि तुम इसे फिर निकाल लो यदि तुम्हारे लिए ये इम्पोर्टेंट है तो, क्योंकि यदि पानी में ये डैमेज हो गया तो क्या होगा करके। और तभी उनका जो कोच है वो बोलता है जल्दी करो जल्दी करो, तुम लोगों को ट्रेनिंग करना है करके। और फिर ये सोचता है कि इस ताबीज़ के अंदर में वाकई में एक पेपर है, और ये पेपर जो है यदि वाटर को टच करेगा तो वो वाकई में ये ताबीज़ ख़राब हो सकता है। तो वो ये सोच के वो ताबीज़ को निकालता है और अपने कपड़ों पे रख देता है। तभी वहाँ से एक आवाज़ आती है, यी युन, और वो आवाज़ बहुत क्लोज होती जाती है और ऐसा लगता है कि कोई यी युन को बुला रहा है और कोई कहता है आई एम कमिंग। तभी दिखाते हैं कि यी युन ने जो अपना सामान रखा होता है अपने कबर्ड में, उसका कबर्ड का लॉक खुलता है और वहाँ पर उसका तावीज़, उसके कपड़े, उसकी चप्पल रखे होते हैं। कोई आता है और उसके कपड़ों को उठक पटक करता है और वहाँ पर वो तावीज़ रखा हुआ देखता है और उसको उठाने की कोशिश करता है और सोचता है कि ये क्या है। और उसके बाद ही उनका जहाँ पर सामान रखा था, मतलब वो दरवाज़ा बंद कर देता है। अब क्या होता है, जो इनका ट्रेनर है वो आता है और बोलता है कि जब तुम लोग अंडर वाटर में होगे तो तुम लोगों को अपना ध्यान, कॉशियस रहने की ज़रूरत है, और सारे टिप्स जो मैंने तुम्हें दिए थे वो सब तुम्हारे दिमाग में है कि नहीं, और तुम लोगों ने पिछले उसमें तो बहुत अच्छा किया था ट्रेनिंग में, तो इस ट्रेनिंग में भी तुम रूटीन को फॉलो करो और अच्छा करो। यी को भी एक सूट पहनाया जाता है, स्पेस वाला सूट, और सब बोलते हैं कि ठीक है सब कुछ तैयार हो गया है। और ये टाइम है ड्राइव ड्राइव करने का, यानी जो अंडर वाटर है उसके अंदर डाइविंग मारनी है। तो यी वगैरह सब लोग अंदर डाइव मारते हैं और यी अपने मन में सोचते हैं कि ये कितना डीप है करके, और मैं थोड़ा सा नर्वस भी हो रहा हूँ। और फिर वो ये भी सोचता है कि उसे इल्यूजन हो रहा है क्या, कि उसे ब्रीदिंग करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, उसे सांस लेने में डिफ़िकल्टी फील हो रही होती है। और फिर वो सोचता है कि क्या मैं बहुत घबराया हुआ हूँ और इस वजह से मैंने ऑक्सीजन का कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा कर लिया, मतलब ऑक्सीजन उसने ज़्यादा खींच लिया है। वो अपने मन में सोचता है कि उसे काम डाउन होने की ज़रूरत है, वो बार बार कहता है कि उसे काम डाउन होने की ज़रूरत है। तभी दूसरी वो दिखाते हैं कि जो जिंग है वो मीटिंग रूम के, कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर खड़ी होती है, और तभी मैनेजर आता है और बोलता है कि क्या बॉस अंदर है क्या। तो जिंग बोलती है कि हाँ बॉस जो है वो अंदर है और मीटिंग चल रही है। और वो पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो इतनी जल्दबाजी में। तो जो ये मैनेजर है वो बोलता है कि मैं कुछ काम के सिलसिले से यहाँ आया हूँ और ये एक स्कैंडल क्रिएट हो गया है और ये बॉस से रिलेटेड है, जो उनकी कंपेनियन थी मिस वाई ये उससे रिलेटेड है करके। और तभी जिंग सोचती है कि बॉस ने तो उस लड़की के साथ वैसे ही अपना कांटेक्ट कट कर लिया था, तो क्या वो अभी भी बॉस के साथ रहने का प्लान बना रही है क्या। और तभी मैनेजर बताता है कि न्यूज़ सिर्फ उसी के बारे में है, और लेकिन किसी ने इस न्यूज़ के अंदर बहुत डीप जाने की कोशिश की है और इसमें हमारे जो बॉस हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो मैं सोच रहा था कि हमें बॉस को पहले से थोड़ा सा इसके बारे में बता देना चाहिए। तो जिंग जो है वो टाइम देखती है और बोलती है कि जो मीटिंग है वो 15 मिनट तक और चलेगी, और ना फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की जो ये मीटिंग है वो फटाफट ख़त्म भी हो जाएगी, तो 1-2 मिनट और वेट कर लो, थोड़ा सा शॉर्ट वाइल के लिए वेट कर लो। तभी सब लोग देखने लगते हैं कॉलेज में कि देखो ये वही लड़की है क्या, ये वही वाई क्वीन है क्या, कि ये यही है क्या, ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्ल थी हमारे स्कूल की करके। सब लोग वो वाई नाम की लड़की के बारे में बात करने लगते हैं। कुछ लोग अपना मुंह को ढकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि इस लड़की की जो फ़ोटो है सब इंटरनेट पे इधर उधर घूम रही है,
और कुछ लोग बोलते हैं कि तुम लोग भूल गए क्या कि ये लग्जरी कार में घूमती थी और ये कहती थी कि मैं तो एक वेल्दी फैमिली से हूँ करके, और ये कार उसकी है। और लेकिन हमें नहीं पता था कि ये कार वार कुछ उसकी नहीं है, ये उसकी कोई बैकिंग है जिसकी कार है करके। अब क्या होता है कि सीईओ को भी ये र्यूमर्स के बारे में पता चलता है कि ये र्यूमर्स जो है वो लीक हो गई है करके, और सीईओ बहुत उससे अपना फ़ोन देख रहा होता है। और तभी उनका मैनेजर बताता है कि ये जो न्यूज़ है इसको आए हुए मार्केट में कुछ दिन हो गए हैं, और ऐसा लगता है कि किसी ने ये र्यूमर्स को जानबूझ के लीक किया है, और ये र्यूमर्स जो है मिस वाई से रिलेटेड है करके। और मैं इनको जो है इजीली इसमें यदि मैं नहीं ध्यान दूंगा तो आप फटाफट इसमें इजीली इन्वॉल्व हो जाएंगे। तभी सीईओ बताता है कि मैं तो सिर्फ क्वीन के साथ बाहर गया था, और लगता है दूसरे लोग भी बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है देखने के लिए कि मेरे कैसे मजाक या जो भी है उनका वो होता है, और मुझे वो लोग डिफेम करना चाहते हैं और ये वाई लड़की को यूज़ करके, और जो है मेरी मैरिज जो है क्वीन के साथ उसको रुइन करना चाहते हैं। तभी सीईओ पूछता है कि कोई न्यूज़ आई क्या मेरे अंकल की तरफ से, और जो क्या है इसके बारे में तुम इन्वेस्टिगेट करो और पता करो कि कहीं ये उन्होंने तो नहीं किया है। तो मैनेजर बोलता है कि यस सर मैं करता हूँ, और व्हाट अबाउट न्यूज़, की न्यूज़ के बारे में क्या। तो सीईओ बोलता है कि जाओ जाके सिर्फ डिलीट कर दो। तभी मिस वाई का फ़ोन आता है और फ़ोन बजने लगता है, तो मैनेजर फ़ोन देखता है, तो सीईओ बोलता है ठीक है भाई तुम आंसर कर दो उस फ़ोन को। तो मैनेजर बोलता है हेलो मिस वाई आपको क्या कोई हेल्प चाहिए क्या। तो मिस वाई बोलती है कि मुझे किसी ने बदनाम करने की कोशिश की है इंटरनेट पे, और उन्होंने सब मेरे बारे में फेक फेक स्टोरीज लिख दी है। और वो रोने लगती है और वो बोलती है कि मैं सीईओ से बात कर सकती हूँ क्या, मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, प्लीज़ मेरी बात करा दीजिए। तो मैनेजर बोलता है मिस वाई आप काम डाउन हो जाइए, हम इस चीज़ का खुद ख्याल रख लेंगे। तो मिस वाई पूछती है कि आप इसका कैसे ख्याल रखेंगे, तो मैनेजर बोलता है कि हम सोच रहे हैं कि सारी न्यूज़ को डिलीट कर देंगे। तो वाई वाई को ऐसा लगता है कि ये न्यूज़ यदि डिलीट हो जाएगी तो उसके तो सारा एफर्ट जितना भी उसने अभी तक ये सब खेल रचा वो सब तो पानी में चला जाएगा करके। तो वो बोलती है कि ऐसा करके क्या ही होगा, मेरे स्कूलमेट्स को तो सब पता चल गया है ये सब, और वो लोग अब मेरे बारे में गॉसिप भी कर रहे हैं, और मेरी जो लीडरशिप है स्कूल की वो भी सब उसको पता चल गई है, और मेरी जो इमेज है वो भी रुइन हो गई है, और मेरा रेपुटेशन भी रुइन हो गया है, और ऐसा चलता रहेगा तो मुझे सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। तो मैंने बहुत कोशिश की थी यहाँ पर आने की, लेकिन फिर मैं यहाँ से सस्पेंड हो जाऊँगी तो ये ठीक नहीं रहेगा, ऐसा करके वो बहुत रोने लगती है। तो सीईओ तभी कुछ इशारा कर रहा होता है कि रुको करके, तो मैनेजर पूछता है कि तो फिर आप बताइए हमें कि क्या करना चाहिए। तो जो लड़की होती है वाई वो बोलती है कि यदि सीईओ आएंगे और पर्सन यानी अपने मतलब खुद मेरे कॉलेज में आके पर्सन के रूप में बात करेंगे तो ये लोग मान जाएंगे कि मैं उनको डेटिंग नहीं कर रही थी और हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं था करके। तो ऐसी एडवाइस ये वाई देती है और बोलती है कि ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं हम सब नॉर्मल वे में लव रिलेशनशिप है हमारा करके। मैनेजर सुन ही रहा होता है तभी सीईओ के फ़ोन में रिंग होता है, और तभी क्या कहते हैं मैनेजर बोलता है कि मुझे अपने बॉस से इस बारे में बात करनी पड़ेगी मिस वाई, तो मैं आपको बाद में कांटेक्ट करता हूँ, और ऐसा कह के फ़ोन रख देता है। उधर से जो वाई है वो बोलती है वेट, लेकिन कौन सुनने वाला उसकी बात, फ़ोन तो कोई रख चुका है। और तभी सीईओ फ़ोन उठाता है और फ़ोन पे हेलो बोलता है, और वहाँ से कोई बोलता है कि क्या आप यी यून को जानते हैं, ये आपका जो नंबर है उसके इमरजेंसी कांटेक्ट में सेव है। तो वो बताते हैं कि हम आपको ट्रेनिंग बेस से फ़ोन कर रहे हैं, और जो यी यून है उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया जा रहा है,
और यहाँ पर कुछ तो ट्रेनिंग के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो क्या आप इमीडिएटली यहाँ पर आ सकते हैं। अब जो ई होता है उसको ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगा हुआ है और उसके साथ कुछ तो हो गया है, तो अब सीईओ देखते हैं कि आगे कैसे जाता है। तो सीईओ बोलता है कि ठीक है तुम मुझे फटाफट एड्रेस दो और मैं वहाँ पर अभी पहुँचता हूँ। ये हमारे जो सीईओ हैं वो बहुत ही घबराए हुए भी होते हैं करके, वो फटाक से अपना फ़ोन जो है टेबल पे पटकते हैं और बोलते हैं कार निकालो मेरे लिए, और अपना कोट वोट पहन के सीईओ रेडी हो जाता है। और तभी वो बोलता है कि मुझे 20 मिनट के अंदर हॉस्पिटल पहुंचना है। तो मैनेजर बोलता है यस सर। अब सीईओ जो है अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार क्या हुआ। सोचते सोचते अस्पताल का सीन दिखाते हैं और वहाँ पर बताते हैं कि जो उनका जजमेंट है वो ये है कि ये बंदा यी जो है वो हाइपोक्सिक शॉक की वजह से उसे एंग्जाइटी हो गई है और इसीलिए उसे यहाँ पर एडमिट किया गया है, और अब जो उसकी कंडीशन है वो अभी स्टेबल हो गई है। और वो ये भी बोलते हैं कि जो इसके रिजल्ट्स अभी हमने टेस्ट किए हैं वो जल्दी आ जाएंगे और इसे यहाँ पर हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन के लिए आज रात को रहना पड़ेगा। तो डॉक्टर ये सारी बातें बताता है और जो उनका इंचार्ज है जो ही को यहाँ लेके आया था वो बोलता है ओके थैंक यू डॉक्टर आपके इतनी एफर्ट्स करने के लिए। तभी सीईओ पहुँच जाता है और पूछता है कि यून कहाँ पर है करके, और सीईओ जो है वो पूछता है कि अब वो कैसा है। तो ये लड़का बताता है कि ये जो है अभी वो ठीक है, फाइन है, और उसको हॉस्पिटल में आगे ऑब्जर्वेशन के लिए आज रात को रहना पड़ेगा, तो आप उसको कंपनी दे सकते हैं। तो सीईओ पूछता है कि क्या हुआ उसे। तो फिर ये आदमी बताता है कि जब ये अंडर वाटर गया तो उसका जो रिएक्शन था वो बहुत ही एबनॉर्मल था, और ये तभी होना शुरू हो गया था जैसे ही वो अंडर वाटर जाना चालू हो गया था, और हमने उसको देखा कि वो बहुत अनस्टेडी तरीके से ब्रीदिंग कर रहा था, अजीब तरीके से ब्रीद कर रहा था, तो हमने उसे पुल करके ऊपर लेके आए, और वो जो था वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा था, इसलिए हमने उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल में भेज दिया। तो वो बताता है कि डॉक्टरों ने कहा है कि ये शायद इसलिए हुआ है क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी हो गई थी, और तुम्हें ना थोड़ी देर वेट भी करना पड़ेगा जब तक उसके रिजल्ट्स नहीं आ जाते। तो सीईओ पूछता है कि क्या मैं अंदर जाके उसे देख सकता हूँ। तो लड़का बोलता है हाँ श्योर, आप अंदर जाइए और उसे देखिए, हमने उसे कॉमन वार्ड में ट्रांसफ़र कर दिया है। तभी दिखाते हैं कि जो ये है उसको सब ऑक्सीजन वॉक्सीजन के पाइप लगे होते हैं, और कोई बोल रहा होता है कि अरे मेरा पुअर बॉय करके, और ये कोई और नहीं होता है, ये रैन होता है, और वो बोल रहा होता है कि भाई तुम्हें ये इस तरह से क्यों सफ़र करना पड़ रहा है इतनी यंग एज में, और वहीं पे वो सेलिब्रिटी भी खड़े होके देख रही होती है, सब लोग यी के आसपास खड़े होके देख रहे होते हैं। तभी सीईओ दरवाज़ा पुश करता है और खोलता है, और तभी सब लोग सीईओ की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि जिन याओ तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या तुम भी यी को देखने आए हो क्या। तो ये लड़की बोलती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम फिर से यही बोलती है कि तुम क्या यी उनको देखने आए हो करके। और तभी ये लड़की बोलती है कि यी उन जो है वो ठीक है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी हमारी सेलिब्रिटी जो है लिंग वो बोलती है कि अपना जो वॉइस है वो थोड़ा नीचे रखो, इतने तेज स्वर में मत बोलो, हम लोग हॉस्पिटल में है करके, और वो बहुत अजीब नज़रों से इस लड़की को देखती है, और ये लड़की बोलती है कि ठीक है ठीक है, और वैसे भी वो अभी सो रहा है, क्या वो सच में सो नहीं रहा है, तो मैं और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी, और यहाँ पर सिंगल वार्ड है ये करके। तो लड़की चुप हो जाती है, और ये सीईओ जो है वो ही उनकी तरफ बढ़ता है,
उसके माथे पे हाथ लगाता है और उसको टच करता है, उसका ब्लैंकेट भी उठाता है और देखता है। और तभी और रैन पूछता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि जो सीईओ है वो जो है वो शायद तावीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तो रैन को लगता है कि पता नहीं ये क्या कर रहा है, तो वो बोलता है कि तुम ये सब ना घर जाके भी कर सकते हो, क्योंकि रैन के दिमाग में सब दूसरे तरह के थॉट्स चल रहे होते हैं। तो जो सीईओ है वो देखता है कि तावीज़ जो है वाकई में कहीं चला गया है, और वो बोलता है कि इट्स गॉन, और इसने अभी भी वो तावीज़ नहीं पहन के रखा है। तो सीईओ बोलता है, रैन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तो हम बाहर चलते हैं। तो सीईओ और रैन जो है वो बाहर जाने लगते हैं, और ये जो लड़की है वो उन दोनों को जाते हुए पीछे से देख रही होती है। तभी ये जो हमारी लैन सेलिब्रिटी है, बड़ी वाली सेलिब्रिटी, वो उसको बहुत बड़ी बड़ी आँखों से देखने लगती है। तो ये हरे बाल वाली जो लड़की वो थोड़ा सा घबरा जाती है करके, और तब सीईओ पूछता है रैन को कि तुम मुझे डिटेल में बताओ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था और ये यून आज कैसा कर रहा था। तो रैन जो है वो बताना चालू करता है कि जहाँ तक मुझे पता है वो एक अच्छा स्विमर है, और वो अच्छा स्विमिंग भी कर रहा था, और उसको थोड़ा एक्सपीरियंस भी है डाइविंग करने का। और वो ये भी बताते हैं कि उसके लिए इस तरीके से शॉक से एंजाइटी से गुजरना इम्पॉसिबल है। तो रैन और सोचता है और बोलता है कि आज कुछ भी एक्चुअली में कुछ भी स्पेशल नहीं हुआ था, सब कुछ अच्छा था जब तक हम पानी के अंदर जाते हैं, मतलब तो हमने बेसिक ट्रेनिंग ली और फिर दोपहर हो गई, फिर हमने अपने आप को अंडर वाटर की ट्रेनिंग के लिए आफ्टरनून के लिए तैयार किया, और हम दोनों साथ में ही थे सारी प्रोसेस में, और वहाँ पर कुछ भी अलग सा नहीं हुआ। तो सीईओ बोलता है गॉड चेंज करके कि क्या चेंज किया तुमने, क्या तुमने कुछ स्पेशल देखा कि उसने कुछ पहना हुआ है या नहीं। तो रैन बोलता है स्पेशल हाँ, और तभी वो बोलने लगता है कि उस एक ओल्ड फैशन का उसने वो पहना हुआ था, तावीज पहना हुआ था रेड कलर की स्ट्रिंग के साथ, जो कि एब्सोल्युटली आउटडेटेड था, बिल्कुल ही आउटडेटेड था। तो सीईओ पूछता है कि वो कहाँ है, तो रैन बोलता है कि वो चेंजिंग रूम में होगा जहाँ तक है, और वो बताता है कि जो ये है वो इस तावीज़ की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करता है, और वो बोलता है कि इसने उसे उतार दिया था, और वो बहुत चिंतित भी था कि जो पानी है उससे ये तावीज़ डैमेज हो जाएगा। और तभी सीईओ बोलता है कि ठीक है तुम ये का थोड़ी देर के लिए ख्याल रखो। तो रैन को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों बोल रहा है, और फिर सीईओ वहाँ से चला जाता है ये बोल के कि मुझे कुछ करना है और मैं जल्दी ही आऊँगा। और तभी रैन सोचता है कि ये आदमी इतनी जल्दी क्यों आया एकदम से, और इतनी जल्दी क्यों चला गया एकदम से। तो वो अपने मैनेजर को बोलता है कि मुझे भी वो ट्रेनिंग रूम के बेस में जाना है, और मुझे वहाँ से कोई चीज़ लेनी है जो यी के चेंजिंग रूम में। तो मैनेजर बोलता है ओके सर। तो सीईओ जब पहुंचता है तो वहाँ पर सब कुछ होता है, लेकिन वो तावीज़ नहीं होता। और तभी वो बोलता है कि मैंने ये सब चेक कर लिया है, और वो ये भी बताता है कि लास्ट टाइम जब रैन ने उसे देखा था तो वो इसी चेंजिंग रूम में था। और तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें सीसीटीवी चेक करना चाहिए, लेकिन फिर दिखाते हैं हॉस्पिटल, और वो लड़की सोचती है कि जिन याओ कहाँ गया, यानी कि उसका सीईओ कहाँ चला गया, और वो ये बोलती है कि वो चला गया, वो भी मुझे बिना बताए चला गया, और वो क्या ही कर रहा है। और वो बोलती है कि हम लोगों को यहाँ कितनी देर के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, क्या हमें अभी भी पार्टिसिपेट करना है ट्रेनिंग में कल या नहीं। तो हमारी जो बिग सेलिब्रिटी है लिंग, वो बोलती है कि तुम जा सकते हो यदि तुम्हें जाना है, तो तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी बातें अपने तक ही रखो। तभी ये लड़की बोलती है कि मैं तो बस तुम लोगों को चीयर अप कर रही थी और कुछ नहीं, ये जो है वो अभी फाइन है।
वो बोलती है, हमारी ये लड़की बोलती है कि हम लोगों को क्या इस तरीके से दुखी होके बिहेव करना चाहिए क्या, और ऐसा कह के वो अपना सिर घुमा लेती है। तभी रैन देखता है कि अभी तक ई को होश नहीं आया, तो वो उसको कानों में उंगली लगाता है और बोलता है कि मुझे सच में तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है, प्लीज़ तुम उठ जाओ करके। तभी जिन याओ वापस आ जाता है, सीओ वापस आता है, और लड़की बोलती है कि जिन याओ तुम वापस आ गए, और बहुत खुश होती है। तभी सीओ बोलता है कि उसका स्टफ मुझे वापस दो। तो ये जो लड़की है वो बोलती है कि क्या कहा तुमने, तुम्हें तो सीओ बोलता है कि तुमने जो चेंजिंग रूम से लिया है वो तुम्हें वापस करना है, तो तुम उसे वापस दो करके। सीओ बहुत गुस्से से इस लड़की को देखता है। तो ये लड़की बोलती है कि आखिरकार तुम क्या बात कर रहे हो। तो सीओ बताता है कि यी उन जो था वो सबसे आखिरी पर्सन था जिसने चेंजिंग रूम में चेंज किया था, और तुम ही एक वो लड़की हो जो उस रूम में चुपके से गई थी। तो लड़की पीछे अपने स्टेप्स को बैकवर्ड लेती है, मतलब पीछे की तरफ जाती है, और बोलती है चेंजिंग रूम, मैं मेंस चेंजिंग रूम में आखिरकार क्यों जाऊंगी, मैं कभी भी नहीं गई। लेकिन सीईओ तो सीईओ ही है, सीईओ फोन निकालता है और उसमें रिकॉर्डिंग सीसीटीवी की दिखाता है जिसमें ये लड़की चेंजिंग रूम में जा रही होती है, और जब वो जाती है तो वो उसके अंदर जाके उसके कपड़ों को भी उथल पुथल करके देखती है। तो ये लड़की बोलती है कि मैं उस रूम में गई तो थी, लेकिन मैं मिस्टेक से चली गई थी, और जैसे ही मुझे लगा कि मेरे से मिस्टेक हो गई है कि मैं यहाँ गलत रूम में आ गई हूँ, तो मैं वैसे ही वहाँ से निकल गई थी। तो हमारी सबसे बड़ी फेमस सेलिब्रिटी लिंग बोलती है कि मिस्टेक, कि कैसा मिस्टेक हो सकता है, मैन और वुमेन का जो चेंजिंग रूम है वो टू साइड्स में है ट्रेनिंग हॉल के, और वहाँ पर जो ये रूम्स हैं वो एक साथ लोकेटेड नहीं है, तो इसमें कोई भी रीज़न नहीं है कि तुम ऐसी मिस्टेक को करो। और तो वो पूछती है कि तुम आखिरकार उस चेंजिंग रूम में क्या करने गई थी। तो लड़की बोलती है कि मैं, तभी उससे पहले वो आगे कुछ बोले, तभी सीईओ बोलने लगता है कि तुम ही एक अकेली बंदी थी जो उस रूम के अंदर इस टाइम पीरियड में गई थी, और कोई भी उस ट्रेनिंग रूम में नहीं था। तो यदि किसी ने कोई उसका स्टफ लिया है, यी का स्टफ लिया है, तो वो सिर्फ तुम ही हो। तो लड़की बोलती है कि वो जो रूम था ट्रेनिंग रूम, उसमें तो सिर्फ ट्रेनिंग के ही क्लोथ्स भरे पड़े थे, उसमें कोई भी वैल्यूएबल आइटम नहीं था जो कि वर्थ हो चोरी करने के लिए, और हम मैं जो हूँ वो याओ फैमिली से हूँ, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मैं आखिरकार एक मेन वेयर को क्यों स्टील करूँगी, यानी आदमियों के कपड़े को क्यों चोरी करूँगी, और मुझे तुम लोग ऐसे बदनाम करना बंद करो। तो रैन जो होता है वो बोलता है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, क्या चीज़ चोरी हुई है करके। तो सीईओ बताता है कि वहाँ पर एक तावीज़ था जो यी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए था, और वो तावीज़ कभी भी लॉस्ट नहीं होना चाहिए था। तो रैन बताता है कि मैं पूरा श्योर हूँ कि चेंजिंग रूम से जब हम लीव कर रहे थे तो यी जो था वो बहुत स्लो था, तो मैं उसकी तरफ पीछे मुड़ के देखा था और उसको कह रहा था बार बार कि तुम जल्दी जल्दी करो और चलो साथ में, और मैंने देखा था कि उसने वो तावीज़ को निकाल के लॉकर में ही रखा था, और उसने उस लॉकर को बंद भी कर दिया था, और उसके बाद फिर वो मेरे साथ आ गया था। तो सीईओ बोलता है कि लॉकर के अंदर कुछ भी नहीं था। तो हमारी सेलिब्रिटी बोलती है, बड़ी वाली सेलिब्रिटी, कि तुमने ये उनका स्टफ़ लिया है तो तुम उसे मेरे हाथ में दो, हैंड ओवर कर दो। तो ये लड़की बोलती है कि, याओ फैमिली की जो लड़की है वो बोलती है कि नहीं, मैंने नहीं लिया है और तुम्हारे पास क्या ही इविडेंस है करके। तो रैन भी बोलता है कि मिस याओ, यदि आपने वो लिया है तो आप वापस कर दो, क्योंकि जो ये है वो डूबते डूबते बचा है, चाहे वो तावीज उसको बचाए या ना बचाए, लेकिन वो तुम वापस कर दो, और इससे जो है यी की मेंटल पीस भी बनी रहेगी, उसको मेंटली सेफ रहेगा। सब लोग याओ को ही दोष दे रहे होते, तो याओ बोलती है कि मैंने नहीं लिया है, तुम किसी और से भी पूछ सकते हो।
और बोल के कि बोलती है कि अब मैं जा रही हूँ करके। तो सीईओ बोलता है कि तुम श्योर हो क्या कि तुमने नहीं लिया है करके। तो याओ बोलती है हाँ मैंने नहीं लिया है। तो सीईओ बोलता है कि मैं फाइंड आउट करके ही रहूँगा, अब तुम जा सकती हो। तो याओ जाने की तैयारी में होती है, तभी हमारी फेमस सेलिब्रिटी लिंग बोलती है कि तुम नहीं जा सकती क्योंकि मैंने तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दी है। और जो सीईओ है वो फिर भी जेंटलमैन है और वो तुम्हारे साथ कोई ट्रबल नहीं करना चाहता, इसलिए वो तुम्हें जाने दे रहा है, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। तो या बोलती है कि मुझे पता है कि ये तुमने किया होगा करके। तो लिंग बोलती है, हमारी फेमस सेलिब्रिटी बोलती है कि तुम यहाँ से जाने के बारे में सोचो भी मत, जब तक तुम मुझे यी का सामान नहीं देती तब तक तुम यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत। तो ये जो लड़की है याओ, वो बोलती है कि तुम लोग बहुत अनरीजनेबल हो, तुम लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो, मैं अपने भाई को फ़ोन करूँगी और फिर तुम देखना तुम लोगों का मेरा भाई क्या हाल करेगा करके। तो जो हमारी फेमस सेलिब्रिटी है लिंग, वो बोलती है कि मिस्टर फैंग मतलब सीईओ को बोलती है कि आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन तो है ना करके, तो आप जो है इसके ब्रदर को कॉल करिए और उसे बताइए कि लिन वाई जो है वो यहाँ पर उसकी बहन के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तभी ये भी बोलती है कि लिन बोलती है कि मिस्टर फैंग आप ना इस नंबर को डायल करिए। तो याओ को थोड़ा सा वो होता है कि ये औरत कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रही है। वो बोलती है कि तुमने ऐसी हिम्मत इसलिए की क्योंकि मेरा ब्रदर तुमको लाइक करता है, और मुझे नहीं पता कि मेरा भाई इतना अंधा क्यों था कि वो तुम्हारे प्यार में पड़ गया, तुम तो एक अनरीजनेबल औरत हो करके। यदि उसको पता चलेगा कि तुम मुझे ऐसे ट्रीट करती हो तो वो तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद करेगा, और जो तुम्हें ये इतने सारे रोल्स मिलते हैं वो भी नहीं मिलेंगे। और तो लिन जो है वो बोलती है कि यदि ऐसी बात है तो मैं उन्हें थैंक यू कहूँगी, बहुत सारे लोग हैं, हज़ारों लोग हैं जो मेरी तारीफ़ करते हैं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम्हारा भाई मेरी तारीफ़ करेगा कि नहीं, और वैसे भी तुम्हारे भाई को सबसे ज़्यादा समय तुम्हें एजुकेट करने में बिताना चाहिए कि जिससे कि तुम दूसरों का सामान चोरी करना बंद कर दो करके। लिन जो होती है वो बहुत गुस्से में होती है ना, इसलिए वो ऐसा बोल देती है। तो याओ बोलती है कि तुमने क्या कहा करके। और तभी रैन सोचता है कि एटमॉस्फेयर बहुत ही गर्म हो रहा है, तो वो बोलता है कि काम डाउन करो, जो लिंग है वो इतनी भी क्रूएल नहीं है करके। तो मिस याओ, यदि आपने ये उनका सामान सच में लिया है तो उसे आप वापस कर दीजिए, लिंग जो है आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। पर लिंग को बिल्कुल सब्र नहीं होता है हमारी फेमस सेलिब्रिटी को, और वो बोलती है मिस्टर फैंग आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, आप उसे फ़ोन दीजिए और इसे अपने भाई को फ़ोन करने दीजिए, यदि कहीं ऐसा ना हो कि भाई हम इस औरत को गलत समझ ले करके। तो इसको अपने भाई के सामने फेस टू फेस बात करें। तो अब जब फ़ोन देने की बारी आती है और जब सीईओ फ़ोन देता है तो याओ ना बहुत ज़्यादा डर सी जाती है, और लिंग जो है वो भी बहुत बड़ी बड़ी आंखों से इसको लड़की को सीओ के साथ मिलके देखने लगती है। तो ये याओ अच्छी लड़की तो है नहीं, तो इसको बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है कि ये जो तावीज है वो एक ट्रैश पीस है, और इस मैंने इसको इसलिए लिया था क्योंकि मुझे क्यूरियसिटी हो रही थी, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं था, एक एक यूज़लेस पेपर था। और तुमको लगता है कि ये ही को प्रोटेक्ट करेगा करके। और वो इसको निकालती है और बोलती है कि तुम लोग बेवकूफ़ हो जो, और तुम लोग मुझे इस तरीके से पुश कर रहे हो, और तुम लोग अंधविश्वास पे भरोसा कर रहे हो। ऐसा करके वो तावीज़ को गिराती है, और जब वो तावीज़ गिरता है ज़मीन पे और तो बोलती है कि तुम लोगों का तो दिमाग ख़राब है जो तुम ऐसी चीज़ों पे भरोसा करते हो। और जैसे ही वो तावीज़ गिरता है वो उसे अपने पैरों से कुचल देती है और बोलती है कि यून वाकई में डिज़र्व करता है, उसे तो डूब जाना चाहिए था। तो मिस याओ वो तावीज़ के ऊपर पाँव रखती है, उसे कुचलती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है।
और तभी वो हमारी फेमस सेलिब्रिटी से पूछती है कि अब तुम सेटिस्फाइड हो कि नहीं हो, और बोलती है कि अब ये ताबीज जो है तुम्हारा है। तभी सीईओ जाता है और ताबीज़ को उठाता है। उसके बाद वो ताबीज़ को चेक करता है और फिर वो ताबीज़ को ले जा के यी के पास रख देता है। मिस यून बोलती है कि मेरे रास्ते से हटो। तभी सेलिब्रिटी पूछती है कि तुम ये वापस कहने की हिम्मत कर सकती हो क्या? तभी मिस यून कहती है कि क्या तुम फिर से कहने की ये हिम्मत कर सकती हो? सेलिब्रिटी जो रहती है उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है। तभी सीईओ बोलते हैं कि उसे जाने दो, और बोलते हैं कि यी को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। तभी सेलिब्रिटी जो है वो बहुत गुस्से भरी नज़रों से देखती है और साइड में हट जाती है और दूसरी लड़की को जाने देती है। और तभी हमारी फेमस सेलिब्रिटी पूछती है कि क्या तुम उसे ऐसे ही इजी तरीके से जाने दोगे क्या? तभी सीईओ बोलता है कि वो जो है वो बहुत ही स्पॉइल्ड किड है और उसे नहीं पता होता है कि वो क्या कर रही है करके। और वो ये भी बताता है कि जब ये कुछ करती है तो ठीक से कंसिडर नहीं करती है केयरफुली, और उसे ये तक नहीं सोचती कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। उसकी फैमिली और मेरी फैमिली जो है ओल्ड फ्रेंड्स हैं, हम लोगों का जो रिलेशनशिप है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन उसका जो भाई है वो थोड़ा डिसेंट बंदा है, इसीलिए मैं उसके खाते इसको इस बार जाने दे रहा हूँ करके। तभी हमारी सेलिब्रिटी कहती है कि तभी इसीलिए क्योंकि वो लड़की ऐसी है इसलिए हमें उसे लेसन टीच करना चाहिए और हमें उसे दिखाना चाहिए कि सोसाइटी जो होती है वो आखिरकार किस तरह की होती है। और तभी वो बहुत गुस्से में होती है तो उसमें दिखाते हैं कि वो कैसे अपना गुस्सा निकाल रही है, और बोलती है कि यदि हम उसे बताएंगे नहीं तो वो कभी भी सीखेगी नहीं करके। तभी सीईओ बोलता है कि मैं उसे कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जो मेरे अंकल हैं उनके यदि मैं कुछ करूँगा तो वो हमारा मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज में बदल जाएगा और फिर हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और हमारी फैमिलीज में थोड़ा प्रॉब्लम होंगे। और यदि अगली बार कभी उसने ये उनको परेशान किया तो मैं ज़रूर उसे सबक से खाऊंगा। और यदि याओ ने अगली बार यी को ट्रबल किया तो मैं उसे कभी नहीं जाने दूंगा और मैं उनके खिलाफ या उसके खिलाफ ना वार कर दूंगा करके। और दिखाते हैं कि यी अभी भी होश में नहीं है। तभी सीओ बोलता है कि तुम लोग जा सकते हो, वैसे भी कल तुम लोगों का ट्रेनिंग शुरू होने वाला है करके। तभी सेलिब्रिटी बोलती है कि ठीक है हम लोग जा रहे हैं, आप यी का अच्छे से ख्याल रखना और उसे ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए मजबूर मत करना, और वैसे भी जो ट्रेनिंग है वो कल परसों से ख़त्म हो रही है। और तभी हमारा दूसरा रैन सेलिब्रिटी बोलता है कि हाँ तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। और तभी ये भी बोलता है कि तुम्हें उसका साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो है उससे भी तुम्हें उसे क्योर करने की ज़रूरत है क्योंकि उसको जो है अंडर वाटर जाके एंजाइटी होती है। अब क्या होता है कि याओ वाई से मिलती है रेस्टोरेंट में और बोलती है कि मैं सीईओ से मिली थी करके और उन लोगों ने मेरी बहुत बेइज्जती की और छोटी सी बात पे वो लोग मेरे पे भड़क गए। तभी वाई बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सीईओ ने ऐसा किया हो करके। तभी याओ बताती है कि मेरी फैमिली के पास सब कुछ है लेकिन मैं थोड़ी क्यूरियस थी इसीलिए मैंने वो तावीज़ को निकाला था, लेकिन क्या उन लोगों को मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की ज़रूरत थी? तभी वाई जो होती है वो बहुत इनोसेंट प्रिटेंड करने लगती है और बोलती है कि एक्चुअली इसमें सीईओ की कोई गलती नहीं है और मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, उनका मूड मेरे कारण ख़राब था क्योंकि
क्यों, इसलिए उन्होंने तुम्हारे ऊपर गुस्सा निकाल दिया। तो याओ बोलती है कि इसका मतलब ये है कि वो अपना गुस्सा मेरे पे कभी भी निकाल सकता है क्या, उसे अपने आप को थोड़ा रोकना नहीं चाहिए था क्या करके। और तभी वो याओ बोलती है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, ये बात सही नहीं है क्या। तो वाई बताती है कि ये मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि वो मेरे मेरा एक स्कैंडल मार्केट में और इंटरनेट पे छपा था, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा बिजी चल रहा था और हमारा र्यूमर्स भी इधर उधर फैल गया, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो गुस्से में हो और उसने अपना गुस्सा तुम पे निकाल दिया हो। तभी वाई उसको ये भी बताती है कि मिस क्वीन कैसे सीईओ के साथ में चिपक चिपक के खड़ी थी, और बोलती है कि मिस क्वीन जो है वो ये थोड़ा स्पेशल है, और वो अभी अभी बाहर से आई हैं, विदेश से आई हैं, और लगता है उनको देख के कि वो शायद सीईओ को बहुत अच्छे से जानती है करके। तभी वाई जो है वो प्रिटेंड करती है और बोलती है कि जो र्यूमर्स है वो बहुत ज़्यादा ही फैल रही हैं, और यदि इसी तरह वो फैलती रहेंगी तो लोग उन्हें सच समझ लेंगे, तो फिर मैं आगे क्या करूँगी करके। तो याओ सोचती है कि तुम्हारी बात में तो पॉइंट है, लेकिन जो सीईओ है वो बहुत ही बिजी है और वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देगा, लेकिन एज ए फ्रेंड मैं अपना एक अकाउंट यूज़ कर सकती हूँ और तुम्हारे फेवर में मैं वाइबो पे पोस्ट कर सकती हूँ, और जितने भी लोग तुम्हें बदनाम कर रहे हैं उनका मुंह मैं अपने वाइबो के अकाउंट से बंद कर सकती हूँ। वाई खुश हो जाती है और बोलती क्या तुम सच में ऐसा करोगी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल दिखाते हैं, और हॉस्पिटल में यी बैठा होता है और रूरू उसके ऊपर आके लदा होता है, और वो पूछता है कि क्या ये ठीक होगा कि यदि मैं अपनी ट्रेनिंग को ऐसे स्किप करूँगा, मिस करूँगा। तो तभी सीईओ बोलता है कि जो ट्रेनिंग का पर्पस था वो तुमने पूरा कर लिया है और तुम्हें एक्सपीरियंस भी मिल गया है, तो अब कुछ खास बड़ा डिफरेंस नहीं होगा, तो तुम्हें कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तभी डॉक्टर आता है और सीईओ पूछता है कि यी की तबीयत अब कैसी है करके। तो डॉक्टर बताता है कि वो उसकी हेल्थ अभी अच्छी है, लेकिन उसे रेस्ट करने की ज़रूरत है। और तभी यी को लगता है कि उसने बहुत ट्रबल क्रिएट किया है, तो वो सोचता है कि उसको सीईओ से माफ़ी मांगनी चाहिए। और तभी सीईओ आता है और यी के सिर पे हाथ लगाता है और पेट करता है उसको। तभी सीईओ बोलता है कि तुम्हें रेस्ट लेने की ज़रूरत है, और जिससे कि तुम यहाँ पूरा समय हॉस्पिटल में ना रहो और तुम ज़्यादा वरी भी मत करो। तो यी सीईओ को देखता है और सीईओ भी यी को देखता है, दोनों थोड़े से खुश हो रहे होते हैं, और यी बोलता है ओके करके। और तभी सीईओ बताता है कि रूरू ने तुम्हें बहुत मिस किया, और तुम लोग सिर्फ पिछली बार सिर्फ 3 घंटे के लिए ही मिले थे, तो हम लोग इससे पहले वापस क्रू में जाएं, तुम लोगों को थोड़ा साथ अब बिताना चाहिए टाइम। तो रूरू भी बोलता है कि हाँ, उसने यी को मिस किया। तो यी बोलता है कि ठीक है जैसा तुम लोग कहो वैसा ही होगा करके। तभी दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मोमो अपने असिस्टेंट के साथ बातें कर रहा होता है, और उसका असिस्टेंट बोलता है कि ये जो वक्त है वो सीरियस मैटर का वक्त है, तो तुम्हें ये सारे गॉसिप्स रीड करना बंद करना चाहिए। और तभी मोमो बोलता है कि ये बहुत ही कम होता है कि हम लोगों के बारे में डिस्कशन पढ़े करके, और जल्दी ही ये जो डिस्कशन है ये हॉट सर्च पे चला जाएगा। तभी मुँह ये भी बताता है कि यदि लोगों को कुछ मिल जाएगा जिन याओ के बारे में, तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, और मैंने तो हेडलाइन के बारे में भी सोच लिया है करके। ये बहुत ही खुश हो रहा होता है मोमो इस बात को सोच के। तभी वो देखता है, मतलब अपने अंदर इमेजिनेशन करता है कि उसका हेडलाइन क्या होगा। एक लंबा आदमी जो कि बहुत हैंडसम है और रिच है और अभी बैचलर भी है करके, और उसको उसका ट्रू लव मिल गया है, ऐसा कुछ हेडलाइन होगा उसका। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि क्या वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, तुम
तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मतलब कुछ थोड़ा ठीक से पेश आना चाहिए। और तभी मुमू बोलता है, लेकिन अभी तक सीईओ ने कोई भी डिक्लेरेशन नहीं किया है, यानी अभी तक उन्होंने कुछ भी इंटरनेट पे आके कहा नहीं है, और ये अभी अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है, अभी सही टाइम नहीं है कि मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ करके। और तो इसीलिए मैं इन गॉसिप्स को इंजॉय करूँगा, और यदि उसे मेरी ज़रूरत होगी तो वो खुद ही आएगा करके। और मैं वैसे भी इसके अलावा मैंने उसे बहुत पहले ही वार्निंग दी थी कि जो मिस वाई है वो एक अच्छी पर्सन नहीं है। सो इन सब चीज़ों के लिए उसी को ब्लेम देना चाहिए, क्योंकि उसने मेरी वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया था। तभी दिखाते हैं कि दूसरी तरफ लोगों का बहुत ज़्यादा मैसेज, पब्लिक का मैसेज जो है वो हर साइट पे चल रहा होता है, और मिस वाई सोचती है कि पब्लिक की ओपिनियन जो होती है वो वाकई में बदलती रहती है, और ये जो स्टूपिड लड़की है याओ, इसने उसके लिए बहुत ही अच्छा काम किया वाइबो पे पोस्ट करके, और ये मेरे लिए एक फेवर वाली बात है करके। फिर उसने वो ये भी सोचती है कि मैंने जितना पैसा उसके ऊपर खर्च किया था एक्चुअली वो वर्थ इट था, और ये मतलब पैसा पूरा वसूल हो गया जितना भी उसने उसके ऊपर खर्च किया था। और ये भी बोलती है कि वो काफ़ी पावरफुल है और उसको जो भी बात कहेगी वो सभी लोग सुनेंगे करके। तो बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं, न्यू मैसेज न्यू मैसेज न्यू मैसेज, और ये दिखाते हैं कि ये सारे मैसेजेस जो हैं ऑनलाइन बहुत सारे चल रहे होते हैं। और तभी क्वीन को लगता है कि क्या ही हो गया जो इतने सारे मैसेजेस उसके फ़ोन पे आ रहे हैं। क्या कोई तरह का वायरस आ गया है क्या उसके फ़ोन में कि जो कि इतने सारे मैसेज आ रहे हैं। तभी वो अपना फ़ोन उठाती है और फ़ोन चेक करती है, और फिर सोचती है कि अरे क्या हुआ, कौन किसको मिस्ट्रेस बुला रहा है करके, और बहुत गुस्से में आ जाती है। तभी दिखाते हैं कि लोगों ने क्या कहा है कि इसका जो नाम होता है वो इनके वेबसाइट पे होता है क्वीन लव्स फिटनेस करके, और लोग बोलते हैं कि तुम अपना वाइबो चेक करो, और लोगों ने ये भी कहा होता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, दूसरों के रिलेशनशिप को ख़राब करना बंद करो, और तुम वाई वाई के बॉयफ्रेंड से दूर रखो दूर रहो, ये कोई अच्छी बात नहीं है किसी का रिलेशनशिप ख़राब करना। ऐसी सब न्यूज़ जो होती है वो इंटरनेट पे चल रही होती है। तभी क्वीन के जो फिटनेस वाला पार्टनर होता है वो बोलता है कि तुम थोड़ा सा धैर्य रखो करके, और क्वीन बोलती है कि मैं जो हूँ वो इनोसेंट हूँ, मेरा तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, फिर मुझे क्यों लोग ऐसे ड्रैग कर रहे हैं, फिर भी मैं तुम्हारी एडवाइस को ध्यान में रखूँगी, और वो बंदा उसको थैंक यू बोलता है। तभी उसको याद आता है कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि सीईओ जो है वो उसके भाई जैसा है, मतलब वो उसको ब्रो बोलती है, और उसे याद आता है कि हमारी फैमिली ने कहा था कि हम दोनों के बीच में शादी होगी करके, और इसीलिए इसकी वजह से ही शायद ये सारे रूमर्स फैल रहे हैं, लेकिन उसके पास कोई गर्लफ्रेंड है करके वो ऐसा सोचने लगती है। तभी दूसरी तरफ दिखाते हैं कि याओ का भाई फ़ोन को फेंकता है और बोलता है कि ये देखो तुमने क्या पोस्ट किया है, और मैंने तुम्हें कहा था कि तुम जाके जिन जाओ और लिंग वाई से माफ़ी मांगना, और लेकिन तुमने माफ़ी नहीं मांगी, और उसकी जगह तुम इस तरीके से बोल रही हो कि तुमने माफ़ी मांगी और तुमने उनके फैमिली के बिजनेस में इंटरफेयर किया, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो याओ बोलती है कि तुम मेरे पे क्यों गुस्सा कर रहे हो, उन लोगों ने मुझे बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं किया था, तो मैं उनसे अपोलॉजी क्यों मांगूंगी यानी माफ़ी क्यों मांगूंगी, और मैं जो हूँ वो बिल्कुल ट्रुथ बता रही हूँ, जो इंटरनेट पे मैंने बोला है वो एकदम सही बात बोली है। तो याओ का भाई बोलता है कि अब तुम बड़ी हो गई हो और तुम अपना ब्रेन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हो, क्या तुम बिना सोचे समझे काम करती हो, तो तुम कैसे ये हमारी डॉटर हो सकती हो, मतलब इतनी स्टूपिड डॉटर कैसे हो सकती है याओ फैमिली की, और कि तुम्हें किसी ने इस्तेमाल किया और तुम्हें पता भी नहीं चला।
तभी याओ बोलती है कि आप तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैं स्टूपिड हूँ। मॉम डैड ने हमेशा कहा है कि मैं बहुत ही क्लेवर हूँ करके, और अब मैं मॉम डैड से तुम्हारी शिकायत करूँगी कि तुमने मुझे ऐसा कहा है। यानी अभी तक याओ को पता ही नहीं है कि उसको किसी ने यूज़ कर लिया है। तभी याओ का भाई बोलता है कि तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम अभी भी छोटी बच्ची हो करके, और क्या तुम्हें ये पता है कि तुमने कितनी ग्रेट ट्रबल को क्रिएट किया है। तो याओ थोड़ा सा मुंडी नीचे करती है और सोचने लगती है। तभी उसका भाई बताता है कि मिस्टर फैंग और क्वीन ने जो मैरिज कनेक्शन बनाया था वो बहुत पहले ही बनाया था। उनकी जो सीनियर्स थे फैमिली के, उन्होंने इसके बारे में बहुत पहले ही बात कर चुके थे, और हमारी फैमिली भी उन दोनों फैमिलियों की मतलब फ्रेंड्स हैं करके। और क्या तुम ये कोशिश कर रही हो कि हमारा रिलेशन उन दोनों फैमिलियों से ख़राब हो जाए करके, और क्या ये वर्थ इट है, ये ठीक होगा कि तुम दो बड़ी बड़ी फैमिलीज का रिलेशन एक अपने ऐसे फ्रेंड के लिए बर्बाद कर दो जो कुछ भी नहीं है। तभी याओ को थोड़ा सा गिल्टी फील होता है। वो बोलती है कि तुम इस बात को इतना भी बड़ा बड़ा चढ़ा के मत बोलो, इसमें जिन याओ का ही फॉल्ट है करके पहली प्लेस में ना। तभी उसका भाई बोलता है कि जो जिन याओ जो है वो सिर्फ ग्रैंड सन है उनके मेन क्लैन का, और उसकी जो मैरिज है वो उसके हाथों में नहीं है, और ना ही वो किसी और उसकी कोई गर्लफ्रेंड के हाथ में। और वैसे भी सूनर और लेटर यानी जल्दी या फिर बाद में उन दोनों का भी ब्रेकअप हो जाएगा, और नहीं भी हुआ तो वो जो दूसरा पर्सन है उसे मिस्ट्रेस के नाम से ही बुलाया जाएगा करके। और अभी तक जिन याओ ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, तो इसका मतलब क्या है? और अब तुम समझ सकती हो कि इसका मतलब क्या है करके। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रात हो चुकी होती है और उनके दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा होता है। तभी क्वीन आती है और बोलती है कि ब्रदर तुम्हें इसको हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही सब कुछ इसका ख्याल रखूंगी करके। तब सीईओ खाना बना रहा होता है और सोचता है कि क्या हो गया, और यी और रूरू जो उसका बनाया हुआ खाना है वो खा रहे होते हैं। तभी क्वीन आती है और बोलती है ब्रो, तो सीईओ बोलता है हाँ तुम क्यों आई हो करके। और तभी जो यी है वो चुपके से एक पीस और उठा लेता है खाने का। और तभी क्वीन बोलती है कि तुम एक्चुअली में डिनर बना रहे हो वो भी खुद, ये इस बात पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तभी सीईओ बोलता है कि डॉगी तुम इधर क्यों आई हो करके, और तुम्हें मुझे आने से पहले एडवांस में बताना चाहिए था, लेकिन ये अभी खाना डिनर का टाइम हो गया है, तो क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहती हो क्या? तो क्वीन बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ फूड जो है डिनर जो है वो पर्सनली ट्राई करूँगी। तो दूसरी तरफ यी और रूरू को भी दिखाते हैं और वो दोनों ऐसा प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है करके, और हर जगह खाना ही खाना दिखाई देता है, और जो क्वीन होती है वो भी खूब मुंह में भर भर के खाना खा रही होती है। बहुत ढेर सारा खाना खाते खाते वो अपना मुंह भी फुगा लेती है। तभी सीओ पूछता है कि भाई तुम यहाँ पर क्यों आई हो करके, तो और फिर ये भी पूछता है कि तुम किस चीज़ का टेक केयर करने वाली हो। तो वो बोलती है कि आप तुमको मेरे से कोई भी बात छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। तो सीओ बोलता है क्या तुम्हें पता है? तभी वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम क्यों नहीं इंगेज होना चाहते थे मेरे साथ में, बिकॉज क्योंकि तुम्हारी एक ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। इतने में यी के मुंह में जितना भी खाना होता है वो सब निकल पड़ता है, और रूरू के भी सिर के ऊपर एक घंटी सी बजती है, और ये यी जो है कफ करने लगता है बहुत। तो रूरू उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि तुम कितने गंदे हो यी, तुम डर्टी हो गए हो। और उधर पे देखता है कि सीईओ भी डर्टी हो गया है करके। तभी सीईओ बोलता है यी को कि क्या तुम ठीक हो, क्या मैं तुम्हारे लिए एक कप हॉट वाटर लेके आऊँ क्या?
रूरू भी यी को देख रहा होता है और यी किसी तरह हाँ हाँ करके बोल रहा होता है। और तभी क्वीन को लगता है कि जो उसके भाई मतलब सीईओ ने डिशेस बनाई हैं वो बहुत ही टेस्टी हैं, इसीलिए यी ने जल्दबाजी में खा लिया और उसको ऐसे ठसका जैसा लग गया करके। और यी अपने मन में सोच रहा होता है कि इंगेजमेंट गर्लफ्रेंड इसका क्या मतलब है करके। और वो ये भी सोचता है कि क्या सीईओ जो है वो रूरू के लिए स्टेप मदर ढूंढने की कोशिश कर रहा है करके। तो तभी सीईओ बोलता है कि तुम क्या बात कर रही हो करके, मेरे पास कब से कोई गर्लफ्रेंड होगी करके। और ऐसा कहते हुए वो यी को पानी का ग्लास देता है। तभी क्वीन जो है अपना मोबाइल निकालती है और उसको दिखाती है और बोलती है कि ये देखो इसमें क्या लिखा है, क्या तुम इस लड़की को नहीं जानते हो करके वो मिस वाई का फोटो अपने फोन में दिखाती है। तो रूरू और यी भी बहुत क्यूरियस होते हैं, तो वो लोग भी वो फोटो देखते हैं और सीईओ भी वो फोटो देखता है। तो जो यी है वो सीईओ को तिरछी नज़र से देखता है और क्वीन बोलती है कि मैं ये सोच ही रही थी कि तुम मेरे साथ इंगेजमेंट क्यों नहीं करना चाहते हो, क्योंकि तुम किसी और को पसंद करते हो और तुमने ये भी कहा था कि तुम नहीं चाहते कि कोई किसी को मिसअंडरस्टैंड करे करके। और अब लेकिन मुझे पता चल गया है कि ये सब तुमने जो कहा था वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लेके कहा था, और तुम हमारी मैरिज को रेफ्यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो फैमिली है वो बिजनेस पार्टनर्स हैं करके, तो तुमको अपनी गर्लफ्रेंड को टेम्पररी छुपाना पड़ेगा करके। तभी सीईओ को समझ नहीं आता है कि क्या चल रहा है। तभी क्वीन बोलती है कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम वाकई में शादी करने वाले हैं, तो उन लोगों ने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की है करके। और उन्होंने ये भी कहा है कि तुम जो लोगों पे पैसे खर्च करते हो और तुम किसी कॉलेज की लड़की के साथ हो और तुमने किसी ऐसे सबसे उस लड़की की रेपुटेशन जो है वो बर्बाद हो जाएगी, और इन लोगों ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया है करके, और जो तुम्हारी पुअर गर्लफ्रेंड है और वो सिर्फ ये र्यूमर्स को ही एक्सेप्ट कर सकती है। तो सीईओ बोलता है कि डॉगी रुको करके, मतलब अपनी बात बोलना चाह रहा होता है लेकिन कहाँ क्वीन कुछ सुनना चाहती है। तो वो बोलती है कि लेकिन जो मिस वाई है वो बहुत ही लकी है, उनकी किसी फ्रेंड ने उनको हेल्प करी है और उसकी रेपुटेशन इस कारण बच गई है। तभी सीईओ फिर से बोलता है कि क्वीन एक सेकेंड रुको, तभी वो बताती है कि उसकी जो फ्रेंड है उसने भी तुम्हें एक्चुअली मिसअंडरस्टैंड किया है, और जब उसने उसकी फ्रेंड ने जो मिस वाई के बारे में कहा था और उसने मुझे भी इंटरनेट पे मेंशन कर दिया है, और कितना इन दोनों का अनोखा फ्रेंडशिप का रिश्ता है करके। तभी ये उसको बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और इशारों में पूछता है क्या ये सच है, और सीईओ बोलता है नहीं, मतलब वो भी इशारों से नहीं कहता है। तब तक क्वीन बोलती है कि तुम लोग प्रिटेंड करना ऐसे बंद करो, मुझे पता है कि आधे से अधिक जो आदमी होते हैं वो शाय होते हैं, शर्मीले होते हैं और अपना लव जो है वो वर्ड्स के द्वारा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन तुम लोगों ने अपना अफेक्शन जो है एक्शन के द्वारा प्रूफ कर दिया है, तो तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन सब चीज़ों की देखभाल ठीक से कर लूँगी करके। और सीईओ रूरू और यी क्वीन को ऐसा करते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि ये लड़की क्या ही करेगी। और तभी लड़की बाय कहती है और बोलती है कि थैंक यू अच्छा खाना खिलाने के लिए और चली। तभी यी सीईओ की तरफ देखता है और बोलता है इंगेजमेंट गर्लफ्रेंड करके, और सीईओ को भी एकदम से उसके दिमाग में बल्ब चलता है कि अब वो क्या कहेगा, और ये एकदम से क्वेश्चन पूछने के मोड में आ जाता है और बोलता है कि तुम पहले कौन सी वाली चीज़ एक्सप्लेन करना चाहोगे। और तब रूरू और ये दोनों सीईओ को अजीब तरीके से देख रहे हो। तभी
तभी वो बताता है कि ये जो तरीका है, ये जो है वो मिस वाई की रेपुटेशन को स्टोर करेगा। और मतलब ऐसा वो सोच रही होती है क्वीन, और बोलती है कि यदि तुम ऑफिशियली अपोलॉजी करोगे ना, माफ़ी मांग लोगी, तो सब ठीक हो जाएगा। तो क्वीन सोचती है कि ठीक है, ऐसा मुझे कर लेना चाहिए। और तभी जो एक औरत होती है वो बोलती है, ठीक है मिस जिन, मैं आपको आपके भरोसे ये कर रही हूँ। और वो बोलती है कि ठीक है, ये मेरा प्लेजर है कि आपको मैं हेल्प करूँगी। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वाई जो होती है वो कॉलेज जाती है, और वो सोचती है कि वो याओ को फ़ोन लगाएगी। वो फ़ोन लगाती है याओ को, लेकिन याओ का फ़ोन बिजी आ रहा होता है। बेसिकली याओ ने फ़ोन काट दिया होता है। तो वाई सोचती है कि उसने मेरा फ़ोन क्यों काट दिया, आखिरकार वो क्या कर रही है। तो वाई जो है मैसेज टाइप करती है कि यदि याओ तुम्हारे पास टाइम हो तो क्या तुम मेरे साथ आज रात को डिनर करोगी क्या। तो रिप्लाई आता है कि वो बिजी है करके। तो वाई सोचती है कि उसने ऐसे वियर्ड तरीके से उसको क्यों रिप्लाई दिया है। फिर सोचती है कि कौन जाने क्या चलता रहता है, ये लोग बहुत रिच हैं तो इनकी थिंकिंग थोड़ा अलग होती है, जो समझ पाना मुश्किल होता है। फिर वो सोचती है कि आज का टुडेज जो हॉट सर्च है वो उसे देखना चाहिए करके। और वो देखती है कि क्या ही हॉट सर्च पे है। उसमें लिखा होता है कि जिस जिन लोगों ने उसको इंटरनेट पे बदनाम किया है, रूमर्स फैलाई हैं, उन सबको वो लॉयर से एक लेटर भिजवाएगी, उन सबको स्यू करेगी करके। तो वाई को बहुत शौक लगता है, और उसको लगता है कि ये कुछ उल्टा नहीं हो गया क्या, उसको याओ याओ के ऊपर मतलब बरसना या गुस्सा नहीं करना चाहिए था, और ये तो मेरा प्लान ही नहीं था, ये कैसे उल्टा सीधा हो गया है। यदि वाकई में क्वीन ने उन लोगों को स्यू कर दिया जिसको मैं जिन लोगों को मैंने पैसे दिए थे ये सब रूमर्स फैलाने के लिए, तो ये सब कुछ जो मैंने किया है वो सब तो पानी में चला जाएगा। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सी और यी सोफे पे बैठे हैं, और जो सीईओ है वो अभी सोच रहा है कि यी को कैसे बताए और कहाँ से शुरू करे। तो यी बोलता है कि एक काम करो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ, वहाँ से तुम अपनी गर्लफ्रेंड के बारे से शुरू करो। और यी बैठ जाता है सुनने के लिए और बोलता है मुझे एक्सप्लेनेशन दो। तो बोलता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के से स्टार्ट करो। तो वो पूछता है कि यदि तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है या फियांस है तो मैं और रूरू का मतलब क्या है। मतलब तो अपने मन में सोचता है कि यदि सीईओ के पास में वाकई में गर्लफ्रेंड या फियांस है तो उससे इतना अनकंफर्टेबल क्यों महसूस हो रहा है। तो सीईओ बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर वो बताता है कि उसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और क्वीन ने को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लेकिन यी का रिएक्शन ऐसा होता है जैसे डाउटफुल रिएक्शन हो। और तभी यी बोलता है कि लेकिन तुमने इस चीज़ को डिनाई भी नहीं किया था, जिसका मतलब है कि तुम इस लड़की को जानते हो, और यदि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या है, और तुम क्या प्लान कर रहे हो कि तुम इसको अपने फ्यूचर में गर्लफ्रेंड बनाओगे, ऐसा कुछ है क्या। तो सीईओ बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वो बताता है कि उसके कॉलेज टीचर ने उसे इस लड़की का टेक केयर करने के लिए कहा होता है, और बताता है कि ये जूनियर कॉलेज में स्कूल मेट थी करके। और ये भी बताता है कि हम लोग कभी भी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं थे और मैं उस लड़की से इतना फैमिलियर भी नहीं हूँ। तो यही पूछता है कि तुम्हारे टीचर ने तुम्हें इस लड़की का केयर करने के लिए कहा था। तो सीओ बोलता है हाँ, मेरे टीचर ने कहा था कि मैं इस लड़की का केयर करूं क्योंकि ये लड़की पढ़ाई में अच्छी स्टूडेंट थी, और उस उन्होंने अपना लाइफ का आधा टाइम अच्छे स्टूडेंट्स को फाइंड करने में मतलब खोजने में निकाला था। तो उन्होंने सोचा कि जो वाई वाई है वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी और स्मार्ट स्टूडेंट है,
और उसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग और बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। तो उसे हेल्प करने के लिए मुझसे कहा गया, लेकिन उसकी जो फैमिली है वाई की वो बहुत ही पुअर है और वो उसकी स्कॉलरशिप को भी बहुत मुश्किल से सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन तो उसको उसकी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए मतलब उस इसलिए उसको केयर करने के लिए मुझे कहा। लेकिन फिर कुछ उसकी फैमिली में हो जाता है और जो टीचर होता है वो बहुत ही लड़की को लिमिटेड सपोर्ट ही दे पाता है वाई को। तो जब आखिरी साल था तो उन्होंने मुझे उनके कॉलेज में स्पीच देने के लिए बुलाया था। तभी मेरे टीचर ने मुझे मिस वाई से इंट्रोड्यूस कराया था और वो चाहते थे कि मैं मिस वाई को कुछ मदद करूं जिससे वो अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर सके। तो ये पूछता है हेल्प करके, तो सीईओ बोलता है कि हाँ, और मैं चाहता था कि मैं उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर दूं, डायरेक्टली कुछ पैसा वैसा दे दूं, लेकिन उसने मेरे फाइनेंशियल सपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था। शायद ये भी हो सकता है कि लड़की का जो प्राइड था वो इतना था कि वो मनी को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी करके। तो उस टाइम पे मुझे भी एक फीमेल पार्टनर की ज़रूरत थी, तो मेरे टीचर ने मुझे उसकी केयर करने के लिए कहा था। तो मैंने कहा कि ठीक है कि मैं उसकी हेल्प करूँगा, और मुझसे पैसे भी नहीं ले रही है तो वो मुझे कंपनीज के मीटिंग वगैरह में और सोशल ओकेजन्स में वो मुझे मेरे साथ चल सकती है, और इसके बदले में मैं उसे हर तरह का सपोर्ट करूँगा करके। तो ये जो है वो ध्यान से सुन रहा होता है और वो पूछता है कि तुम्हें आखिरकार फीमेल कंपेनियन की ज़रूरत क्यों थी अपने साथ किसी भी सोशल गैदरिंग वगैरह में ले जाने की। तो सीईओ बोलता है कि ये सारी उसको ले जाने से बहुत सारे ट्रबल्स से मैं बच गया था और मुझे काफ़ी सारे लोगों को रिजेक्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि कई बार होता था कि दूसरे लोग आते हैं और वो एक्टिविटीज़ को अटेंड करते हैं और अपने पार्टनर्स को दिखाते हैं, और कई बार लड़कियां भी उनकी तरफ देखती हैं करके। इसीलिए यदि हम फीमेल कंपेनियन ले जाते हैं तो मैं उन सारे लड़कियों को और जो उनके स्पेशल सर्विसेज होते हैं उनको मैं आसानी से रिजेक्ट कर सकता था करके। तो ये कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिरकार हो क्या रहा होता है। और तभी वो बोलता है कि सीईओ बताता है कि इसलिए मिस वाई ने बहुत सारे ट्रबल्स को सेव किया है मेरे लिए और वो मेरी एक एम्प्लॉय की तरह ही है, और इसके अलावा मेरे और उनके बीच में कुछ नहीं है, तो तुम गलत मत सोचो। तो ये बोलता है अच्छा तो ये इस तरीके से है, और ये बोलता है सीईओ बोलता है कि मैंने अपने सारे कनेक्शंस उनके बीच में से काट लिए हैं और अब से क्वीन जो है वो मुझे हर जगह पे कंपनी देगी करके। तो ये बोलता है कि इंगेजमेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे जो तुम्हारी मिस क्वीन के साथ है करके। और तभी सीईओ बोलता है कि ये थोड़ा बताना कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसके बारे में तुमसे नेक्स्ट टाइम बात करूँगा। तभी वो ये सोचता है कि रूरू तो सो गया है और अभी बहुत सारा टाइम है तो उसे कोई जल्दबाजी नहीं है, तो तुम आगे कंटिन्यू करो, आगे मुझे बताओ। तो सीईओ बताता है कि हम लोग इंगेज नहीं हैं और हम कभी भी शादी नहीं करेंगे, मैं सिर्फ उसे एक ब्रो और सिस्टर की तरह ही ट्रीट करता हूँ करके। लेकिन हमारी जो फैमिली है वो किसी रीजन की वजह से हमने अपने फैमिली वालों को ये इन्फॉर्म नहीं किया है। तो ये बोलता है कि लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब तुम लोग एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते हो तो क्या प्रॉब्लम है सच्चाई बताने में, तो तुम लोगों को सच क्यों नहीं बता देते हो। तो सीईओ बोलता है कि आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ करके, और तभी ये सोचता भी क्या दिखाएगा करके, और अपने क्योंकि ये सीईओ अपना शर्ट ऊपर उठा रहा होता है तो ये को लगता है कि ये पता नहीं क्या ही करेगा। तो ये थोड़ा सा चौंक जाता है और वो अपनी आंखें बंद करने के पूरे उसमें रहता है और बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो और तुम क्या मुझे दिखाना चाहते हो।
और बार बार बोलता है कि आखिर तुम कर क्या रहे। तो वो बोलता है कि आखिरकार तुमने अपने पैंट्स क्यों उतार दिए। तो सीओ बोलता है तुम इस तरफ 1 मिनट घूमो करके। तो ये बड़ी मुश्किल से घूमता है और देखता है कि क्या 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 दिखाना चाह रहा है। कि तो सीओ उसको एक बर्थमार्क दिखाता है और बताता है कि ये मार्क देखो। तो जो ये है वो बोल सोचता है कि ये जो बात मार्क है ये काफ़ी देखा पहचाना सा लग रहा है, मैंने इसे कहीं देखा है करके। तभी उसके सिर पे एक बल्ब जलता है, वो बोलता है कि हाँ उसे याद आ गया, उसने ये मार्क इस तरह का रूरू पे भी देखा था कि रूरू के पास भी ऐसा एक मार्क है और ये मार्क वो तब से है जब से वो पैदा हुआ है। तो सी ये बोलता है हाँ ये मार्क सबको तभी से होता है जब से वो पैदा होते हैं। और वो ये जो उनके फैमिली में पहली बार पैदा होता है ये मार्क उनको मिलता है और ये ऐसा मार्क उनके जनरेशन से चला आ रहा है और ये माना जाता है कि ये एक सक्सेसर का सिंबल है करके। और मेरे ग्रैंडफादर को उनके हाथ पे है ये मार्क और इसीलिए और मुझे ये मार्क मेरे वेस्ट पे है करके। और रूरू को जो ये मार्क है वो उसको उसके पीछे है, रूरू के भी पीछे ये मार्क है करके। तो ये बोलता है कि तो तुमने ये मार्क देखा था और तुम्हें इसलिए भरोसा हो गया कि रूरू तुम्हारा बेटा है करके। तो सीओ बताता है कि मैं पहले सोचता था कि ये जो सिंबल होते हैं वो बहुत ही सुपरस्टिशियस वगैरह होते हैं और ओल्ड जनरेशन इन सबको मानती है और इनको कुछ मतलब राइट और फूल का कुछ पता नहीं होता है करके। और मुझे ऐसा लगता था कि इन लोगों ने ये जो मार्क होते हैं वो हम लोगों की बॉडी पे ये लोग बना देते हैं, पर ये मार्क एक्चुअली बनाए हुए नहीं होते थे, ये एक्चुअली बर्थ मार्क ही होते थे। तो ये मार्क्स को वो लोग अपने इंटरेस्ट के लिए यूज़ करने लग गए। तो सीओ बताता है कि रूरू जो है वो तुम्हारे द्वारा पाला पोसा गया है लेकिन उसके बाद भी उसको यह मार्क है। तो ये बोलता है तो इसका मतलब ये है कि वो सक्सेस मतलब वो बिजनेस वगैरह सक्सेस उसको मिलेगा। तो ये पूछता है और इसके अलावा क्या मतलब है इस मार्क का। तो सीईओ बोलता है कि मुझे ठीक से पता नहीं है क्योंकि मुझे भी मेरे ग्रैंडफादर ने इसके बारे में अभी तक कुछ बताया नहीं है। और वो बोलते हैं कि ये जो मार्क होता है वो उनके मेन क्लैन से जो है वो बिलोंग करता है और जिसके पास भी ये होता है वो बहुत ही डोमिनेटिंग होता है और ये एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। और हर एक फैमिली के मास्टर में जो फर्स्ट बॉर्न होता है उनकी जनरेशन का उनको ये मार्क होता है। सीओ बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर के 2 बेटे हैं और 2 वो हैं क्या कहते हैं डॉटर्स हैं और जो मेरे फादर हैं वो उनका फर्स्ट बॉर्न सन है, यानी मेरे फादर जो हैं वो मेरे ग्रैंडफादर के पहले बेटे हैं। तो ट्रेडिशन के हिसाब से मेरे फादर को हमारे फैमिली बिजनेस को इनहेरेंट करना चाहिए था लेकिन मेरे फादर जो हैं वो इतने भी अच्छे नहीं थे इसलिए मेरे अंकल को ये बिजनेस मिला। तो मेरे जो अंकल हैं वो बहुत ही सूटेबल थे इस पोजीशन के लिए। तो लेकिन फिर भी चूंकि रूल है कि जिसके पास ये मार्क होगा फर्स्ट बॉर्न के पास उसी को फैमिली को रूल करना पड़ेगा। तो इन दी एंड मेरे फादर के पास ही ये फैमिली का रूल वाला सीन आया। तो ये बोलता है कि तुमने कभी मेरे से तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में बात नहीं की। तो सीईओ बताता है कि वो लोग पास आउट हो गए थे जब मैं बच्चा था और मेरे फादर तो तभी डेड हो गए थे जब मैं बॉर्न भी नहीं हुआ था करके। तो ये बोलता है कि सॉरी करके। तो सीईओ बोलता है कि नहीं ठीक है सॉरी की कोई बात नहीं है, मैंने वैसे भी मेरे फादर को नहीं देखा तो वो मेरे लिए एक स्ट्रेंजर ही है और यदि मैं अपने अंकल के बारे में बताऊं तो मेरे फादर के डेथ के बाद उन्होंने ही इस पोजीशन पे सक्सेस पाई थी। हालांकि रूल्स को ब्रेक कर दिया गया था लेकिन सबसे सूटेबल कैंडिडेट मेरे अंकल ही थे।
तो जब सक्सेस होने वाला था हमारे घर में, तब मेरी मदर जो थी वो प्रेग्नेंट थी मेरे से। तो मेरे ग्रैंडफादर ने अपने राइट्स को, जो कि उनको उनकी फैमिली में रूल करने का जो राइट था, उससे उन्होंने अपना हाथ खींच लिया था और उन्होंने उन्हें अपनी पोजीशन से हाथ धोना पड़ गया था। और ये दूसरी बार ऐसा हुआ था। तो उनके बाद ये पोजीशन जो थी वो मेरी हो गई थी। और मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो अभी भी मेरे पे डाउट करते हैं कि मेरे में इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि मैं ये बिज़नेस वगैरह फैमिली को ढंग से चला सकूं। तो लेकिन इसीलिए उन्होंने मेरे अंकल को ये सब कुछ मैनेज करने के लिए दिया था। अब जब मेरे अंकल बहुत सालों से बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे और उन्होंने फैमिली का लीडर बनने की भी कोशिश की, तो ये सब उन्हीं के पास जाना था। लेकिन क्योंकि मेरे पास कोई रियल पावर नहीं था, तो मैं नहीं जानता था कि वो पीछे से क्या षड्यंत्र रच रहे हैं करके। और यदि मेरे अंकल को सारे राइट्स चाहिए थे कंपनी के, तो मैं उन्हें ऐसे ही दे देता। बट उनको एक्चुअली सारे राइट्स ही नहीं चाहिए, उन्हें इन सब से भी ज़्यादा बढ़ के चाहिए। तो वो बताता है कि इवन जो मेरे अंकल थे उन्होंने रूरू को भी हार्म पहुंचाने की कोशिश की थी, और इसीलिए मुझे अपने आप को फोर्स करना पड़ा कि मैं अपने अंकल के खिलाफ जा सकूं और अपने आप को मजबूत बना सकूं, जिससे मैं रूरू को और तुमको सेव कर सकूं। तभी ये बोलता है कि वो आखिरकार रूरू को क्या करेंगे। और तभी सीओ बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं रूरू को प्रोटेक्ट करूँगा। तभी ये बोलता है कि वो आखिरकार रूरू के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, रूरू तो एक छोटा बच्चा है करके, ही सो स्मॉल करके। तभी सीओ बोलता है कि इसीलिए मुझे एलीस चाहिए, यानी अलायंस बनाना है क्वीन फैमिली के साथ, और इसीलिए क्वीन और मैंने अभी तक ये बात किसी को नहीं बताई है कि हम लोग कोई शादी वादी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे बिजनेस का जो पार्टनरशिप है, नहीं तो इस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा करके। तो तुम मुझे थोड़ा समय दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो सीईओ उसको ऐसे बोलता है और साथ में बोलता है कि वो रूरू को और उसको आगे प्रोटेक्ट भी करेगा। अब ये सब बातें हो जाती है, ये बाथरूम में जाता है और ब्रश करने लगता है। और तभी वो सोचता है कि सीओ ने क्या कहा था कि वो उसे और रूरू को प्रोटेक्ट करेगा। तभी ये बोलता है कि मुझे सीओ के प्रोटेक्शन की क्या ज़रूरत है, मैं तो एक ग्रोन अप मैन हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ। और वो बोलता है ये सब नॉनसेंस है करके। और फिर कुल्ला वुल्ला करता है, अपने आप को आईने में देखता है और फिर साथ में अपने ताबीज़ को भी देखता है। तभी वो सोचता है कि उसे इसके बारे में भी पूछना चाहिए। और तभी वो सीईओ को पूछता है कि मैं तुमसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ करके। सीईओ भी बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ इस ताबीज के बारे में। तो सीईओ बताता है कि ये जो ताबीज है, ये उसके ग्रेट ग्रैंडफादर ने स्पेशली यी के लिए, यी की सेफ्टी के लिए बनाया है करके। और वो यी को बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी सर्कमस्टेंसेज होंगे, तुम इस ताबीज को कभी निकालना मत करके। तो यी पूछता है कि क्यों भाई, क्यों नहीं निकालना। तो जो यी है वो बोलता है कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने तुम्हारा जो भविष्य है उसमें जो डिज़ास्टर होने वाला था, जो भी उत्पाती वगैरह होने वाली थी, उससे बचाने के लिए और तुम्हारे लाइफ को बचाने के लिए ये ताबीज बनाया है करके। और ये जो ताबीज है वो तुम्हें गुड फॉर्चून दिलाएगा, तुम्हारा भाग्य अच्छा होगा। तो ये बोलता है क्या सच में? और तभी वो बोलता है कि हाँ, तभी आजकल मैं बहुत लकी हूँ। पहले मैंने बाई कंपनी को ज्वाइन किया, फिर मैंने प्रोडक्शन टीम को किया, फिर एक ग्रेट फिल्म भी मुझे मिली। तो हाँ, मैं वाकई ही बहुत लकी है ये मेरे लिए। और तभी वो सोचता है इसीलिए, इसकी वजह से मेरे को इतना अच्छा लक मिला है।
और तभी वो रोते हुए बताता है सीईओ को कि तुम नहीं जानते कि मैं पहले कितना अनलकी था। तो सीईओ बोलता है ठीक है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम इससे भी ज़्यादा लकी होते जाओगे अपने फ्यूचर में। तभी ही सीईओ को थैंक्स कहता है और सोचता है कि पता नहीं ये उसका इल्यूजन है या नहीं, लेकिन जब मैंने इस तावीज़ को उतारा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जो बॉडी है वो बहुत ही हैवी हो गया है और मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कि कोई चीज़ मुझे खींच रही हो करके। तो लेकिन ये जो तावीज़ है इसको पहनने के बाद मुझे बहुत लाइटनेस लगती है और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे को पीस भी देता है, तो आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए इसे मैं नहीं उतारूंगा। तो फिर सीईओ बताता है कि जो क्वीन ने इंटरनेट के बारे में कहा उसके बारे में मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा और पता करूंगा कि आखिर क्या चल रहा है। और तभी ये बताता है कि मैं अभी कुछ दिनों से तो मैं ट्रेनिंग कर रहा था और मैंने इंटरनेट भी नहीं देखा, तो मुझे भी ठीक से नहीं पता है कि क्या चल रहा है। और तभी सीईओ बोलता है कि एक्चुअली कोई हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, मुझे और वाई को, मिस वाई को, और ऐसा करने से हमारे ऊपर जो है इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा करके। तभी ये बोलता है कि लेकिन मिस क्वीन ने हमें तो मिस याओ का और सबका वाइबो दिखाया था करके। और तभी वो ये भी बताता है कि शायद याओ भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होगी करके। तो सीओ बोलता है कि तुम याओ को अपने क्लोज कभी मत आने देना जब भी तुम क्रू में हो। तो ये बोलता है ओके, और वो सोचता है कि जो सीईओ है जब उसने याओ को मेंशन किया तो वो थोड़ा सा ख़राब सा दिख रहा था, क्या पहले कुछ हो चुका है क्या करके। तभी रात हो जाती है और याओ घर आ जाती है और याओ की मदर जो होती है वो याओ को गले लगाती है और बोलती है बेटा तुम फाइनली घर आ गई करके, और पूछती है कि कैसा रहा और क्या तुमने रैन का और लिंक का मतलब ऑटोग्राफ मेरे लिए लिया है क्या। और वो बार बार पूछती है क्या तुमने लिया, क्या तुमने लिया। तो जो याओ होती है वो एक रुमाल निकालती है और अपनी माँ को दिखाती है और अपनी माँ को देती है। उसकी माँ बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि उसकी माँ जो है वो इन दोनों सेलिब्रिटीज़ की फ़ैन होती है और सोचती है कि ये रैन का रुमाल है और बहुत ही अच्छा है करके। और तभी वो लड़की सोचती है कि यदि मुझे ये हैंकरचीफ यदि लेना नहीं होता तो मैं कभी भी ये का जो कबर था वो नहीं खोलती थी और मेरी कभी भी क्यूरियोसिटी नहीं बचती थी। तो उसका भाई बोलता है कि तुम अपने रूम में जाओ और जो तुमने गलतियाँ की है उसके ऊपर सोचो करके, और तुम घर में ही रहोगी और तुम्हें घर से भी बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है, और तुम सारे इंटरनेट में जो ट्रबल्स तुमने क्रिएट किए उसमें भी तुम्हें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, और अब एक पेपर पे अपना सेल्फ क्रिटिज़म का रिव्यू लिखो और अपने फॉल्ट्स को तुम देखो। तो जो याव रहती है वो किसी तरह अपने कमरे में जाने लगती है और जाके दरवाज़ा बंद कर देती है। तभी याव की माँ पूछती है कि क्या बात है, तुम मेरे बेटे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अपनी बहन को कैसे ऐसे धमका सकते हो। तो जो भाई होता है वो बोलता है अपनी माँ को कि आप याओ को स्पॉइल करना बंद करो, मतलब बिगाड़ना बंद करो करके, और यदि वो ऐसे ही करती रहेगी तो हमारी जो फैमिली है उस फैमिली का फ्यूचर अच्छा नहीं होने वाला है। तो याओ की माँ बोलती है कि ऐसा मत करो, ये मेरी बिलव्ड गर्ल है करके और तुम्हारी बिलव्ड सिस्टर है। और तो अभी भाई बताता है, बेटा बताता है कि यदि ये मैरिज फैंग और क्वींस के बीच में डिस्ट्रॉय कर देगी
और हमारे बीच में जो क्वींस के साथ में और फैंग के साथ में हमारी रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगी तो कैसे चलेगा? तो क्या तुम ये जानने के बाद भी उसको ये सब करने दोगी? तो माँ बोलती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी। तो भी लड़का बोलता है कि नहीं मॉम, आपको उसको इतना स्पॉइल नहीं करना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि हर चीज़ की एक बॉटम लाइन होती है और वो बॉटम लाइन कहाँ है करके। तभी दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो वाई होती है वो परेशान हो रही होती है और वो सोचती है मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ करके। और वो ये भी सोचती है कि उसने तो पोस्टर्स के लिए पैसे वैसे पेमेंट किए थे, और यदि उनको केस करेगी क्वीन तो वो तो क्या कहते हैं, रिपोर्टर्स जो अपना मुंह खोल देंगे और मेरा नाम सामने आ जाएगा। और तभी वो सोचती है कि ऐसा सब कैसे हो गया, ऐसा तो मैंने प्लान नहीं किया था। और सोचती है कि जो क्वीन है वो शायद ऐसे ही हवा में बातें कर रही होगी, वो कुछ केस वेस नहीं करेगी। पर यदि उसने केस कर दिया तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा, जो इतने समय तक उसने मेहनत करी इन सब पे क्या है, पानी फिर जाएगा करके। और तभी वो सोचती है कि ये सब की जो हुआ है वो याओ की वजह से हुआ है, और इस औरत ने ही वो क्वीन का नाम लिया और अब ये सब प्रॉब्लम हो गई है। और ये सोचती है कि मैंने इतनी मेहनत करी थी सीईओ को प्रोफेसर के थ्रू जानने के लिए, और मेरी थोड़ी सी होप बनी थी, तो अब ये जो है ये होप भी यदि वाकई में ये बात सबको पता चल गई तो ये जो है होप मर जाएगी करके। तभी फ़ोन बजता है और जो मिस वाई है वो फ़ोन को देखती है और फ़ोन उठाती है। तो वहाँ से आती है कि आवाज़ आती है कि हमें क्यों सू कर दिया जा रहा है करके, और ऐसी तो कोई डील नहीं थी हमारी, और हमें लॉयर का लेटर भी मिला है करके। तो मिस वाई सोचती है कि वाकई में क्वीन ने जो कहा था उसने वो एक्शन ले लिया है, और तभी वो फ़ोन काट देती है और सोचती है कि क्या करूँ क्या करूँ करके, और फिर से फ़ोन उठाती है और क्वीन को एक मैसेज भेजती है कि जो ये मैसेज भेजने से पहले वो ये भी सोचती है कि शायद जो क्वीन है वो समझेगी उसको। और तभी एक नया मैसेज आता है और क्वीन तब अपना फेशियल मास्क वगैरह लगा के बैठी होती है, और क्वीन बड़ी खुश हो जाती है कि अरे देखो सीईओ की गर्लफ्रेंड ने उसे मैसेज भेजा है। और उस मैसेज में लिखा होता है कि इंटरनेट में तो ये सारे ही रूमर्स जो होते हैं वो बड़े कॉमन होते हैं, तो इसके बारे में आपको तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है और आपको ये मैटर को ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए। क्वीन ये मैसेज पढ़ती है और सोचती है कि ये लड़की कितनी दयालु है करके, ये बुली हो रही है लोगों से, लोग इसे बुली कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये उनको सुई नहीं करना चाहती है करके। और तभी क्वीन को ऐसा लगता है कि ये लड़की नहीं कर सकती तो क्या हुआ, लेकिन मैं तो कर सकती हूँ करके, मतलब क्वीन जो है यहाँ भी सब गलत ही समझ लेती है। और फिर क्या होता है कि एक फ़ोन आता है और तभी ये बोलता है कि कौन सी पार्टी, और तभी रूरू भी खेल रहा होगा। तो लिंग बताती है कि ये हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो कल ओवर होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, तो मैं सोच रही थी कि हाँ मैं रिलैक्स करने के लिए एक छोटी सी पार्टी मेरे यहाँ पर रखी जाए। तो वो पूछती है कि क्या कल तुम आओगे क्या, और अपने ग्रैंड फादर और मदर को देखती है और बोलती है कि तुम जो हो कल मेरे घर आना।